हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल टू दिस लाइव एट होम बैच ऑफ सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू कोर्स एंड बिफोर आई स्टार्ट विद द बैच वील जस्ट स्पेंड सम फाइव मिनट्स गेटिंग कन्वर्सेंट विद दिस पर्टिकुलर मॉडल ऑफ द बैच इन विच वील लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ द वे यू विल बी यूजिंग इट और उसके बाद फिर अपन शुरुआत करेंगे आज अपनी बैच की and before i come to that uh, i would just request uh, everybody to just please quickly mention your uh, name your city and the attempts and uh, i would just quickly kind of uh, look at it uh, Manit from jodhpur khushi from kadidra where is this from kasyo Kushi. khushi darshan from rajkot okay darshan was having some technical problems yesterday finally he is here uh, welcome

गुड मॉर्निंग अमन बिलासपुर से ओके सार्थक चलो अपने नाम भाई भी है यहाँ पर सो वी हैव सार्थक फ्रॉम डेली देन एल्स ओके मयंक फ्रॉम नागपुर दर्शन फ्रॉम मुंबई देविका हाय फ्रॉम बूंदी राजस्थान हाय आदित्य गुजरात गांधीधाम कच्छ तानिया फ्रॉम अमृतसर हरप्रीत फ्रॉम नवी मुंबई अक्षय फ्रॉम चेन्नई अभिषेक अंशुल हेलो 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 टू ऑल ऑफ यू आई हैव सीन ऑल योर अटैम्प आई कुड सी लॉर्ड ऑफ पीपल फ्रॉम ट्वेंटी हाँ थाउजेंड टू कुछ लोग हालांकि दो हजार वाले भी हैं जो यहाँ पर अभी जागे हैं नेवर द लेस नॉट बैड इन फैक्ट सो यू नो वॉट वील डू इज वील गेट गोइंग विद दिस एंड बिफोर आई स्टार्ट विथ our uh, discussion in terms of, you know, uh, what this subject is all about and that stuff. Uh, let me first quickly uh, <coughs> kind of introduce myself, uh, Sarthak Jain, naam aap hai. and uh, because uh, you're all chartered accountant students, I'm really hopeful you will not really be too much interested in, uh, you know, what I have done personally, you will be more interested in terms of what I've done professionally. so uh, I would talk about my uh, you know I'll just share a quick background of mine uh, the academic background to start with so I completed my 12th in 1999 I got some all India merit I got some 100 marks in mathematics though I was a commerce with math student and फिर टिकटक मार्क्स आ जाने के बाद यूजुअली आपको मालूम है कि आपको और आपसे ज़्यादा आपके घरवालों को लगने लगता है कि ये लड़का तो ये के लिए बनाए क्योंकि commerce में you don't uh, had too many fields at that point of time

I could clear everything in the first attempt. 2003 batch chartered accountant, 17 साल पुराने chartered accountant आपके सामने यहाँ पे खड़े हुए हैं एंड आफ्टर आई गॉड अम श्योर आई sure ITC के बारे में सुना होगा आप लोगों ने एंड <coughs> जो लोग स्मोक करते उन्होंने जरूर सुना होगा थोड़ा सा चार्ट में बताइए कितने लोग स्मोक करते हैं तो सर हो गए तो भी बताएंगे थोड़ी ना और ऐसे भी हम स्मोक वाले नहीं हम तो क्लासमेट वाले हैं ना आई टी के वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं सो यू नो आई डिड अ जॉब इन आई टी सी विच वज़ ऑलमोस्ट फॉर लाइक टू एंड हाफ ईयर्स एंड जो भी मुझे थोड़ा बहुत कुछ आई एफ आर एस या इंडेस uh, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या ऑडिट का आता है आई ओ अ लॉट टू आई टी सी ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम ऑल द ट्रेनिंग एंड ऑल द स्टडीज विच आई डिड इन माई सी एज अ सी ए स्टूडेंट Uh, in fact, ITC may, I was in their internal audit and corporate accounts division, and uh, I got a chance to do all audit of a lot of entities of theirs, including uh, different businesses uh, which included uh, your classmate notebooks, uh, cigarette, which is their major business, uh, uh, hotels, uh, they have a paperboard division, they have a garment division, increase divisions internal audit when audit here. and uh, I also was,

मिस्टर शेखर बासु बंगॉली दा और ही एक्चुअली वॉज अ वेरी लर्नड पर्सन एंड ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दी सी ए इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपरेशन कमिटी सो इंस्टीट्यूट क्या करता है दोस्तों कि जो भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडिया प्रपोज करता है तो उसके लिए कई सारे स्टडी ग्रुप्स बनाता है और वो सब एक बैकग्राउंड मटीरियल तैयार करते हैं एक बैकग्राउंड मटीरियल क्या होगा सो यू नो वन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बैकग्राउंड मटीरियल बैकग्राउंड मटीरियल इज नॉट देयर इन दब्लिक डोमेन इसके बेसिस पर एक काउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है जिसमें कई बार एक कॉमा फुलस्टॉप के ऊपर घंटों डिस्कशन हो जाते हैं एंड मिस्टर बासू माई बॉस वॉज अ पार्ट ऑफ द कमिटी एक्चुअली Overviewing all these particular study groups and uh, he was formulating these accounting standard. In fact, when I joined Accounting Standard 18 related parties jo aaya tha he was the one who kind of was pioneer in kind of preparing that standard. to wahan se ek bahut badhiya exposure मिला कि कोई standard बनता है तो कैसे बनता है? उसके पीछे का background material क्या होता है? और वो एक approach जो develop वहाँ पर हुई, that is somewhere or the other I try to use with my students. Uh, so, that uh, I can give you a background logic to everything so that you don't really have to learn anything in standards or financial reporting paper because it is primarily in days. Uh, so, in that sense, uh, you know, standards cover standards we have the logic for it also, we get the knowledge for it, and at the same point of time, we have our studies exam oriented. Honestly speaking, if I tell you, uh, <coughs> you know this for a fact that. Uh, वी हैव आर फर्स्ट ओरिएंटेशन की हमें एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने है बताए द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एफ आर एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें बहुत इजीली आप नॉलेज और एग्जाम ओरिएंटेशन को बैलेंस कर सकते हो सो यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन गेटिंग गुड नॉलेज ऑल्सो एंड दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प इन योर एग्जाम एग्जाम में जो पेपर आता है जो आपकी के स्टडीज क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी रियल लाइफ बेस्ड होते हैं सो इन दैट सेंस यू नो द आई गॉट दैट काइंड ऑफ एन अप्रोच फिर उसके बाद आई टी सी आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट टू एंड हाफ ईयर्स उसके बाद लगा कि नहीं यार <coughs> कुछ चैरिटेबल कार्य करना चाहिए एंड देन आई लर्व दैट जॉब आई केम टू माई होम सिटी विच इज़ इंदौर एंड दिस इज एक्चुअली द प्लेस फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड दिस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जिसको आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस ट्यूटोरियल फास्ट एजुकेशन के नाम से जानते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ इफ आई टेल यू माई टीचिंग करियर ऑफ रफली फिफ्टीन ईयर वॉट हैचीवड तो ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों मेरे अचीवमेंट्स एक्चुअली आपके जो अचीवमेंट्स है वही मेरे अचीवमेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स अचीवमेंट आर एक्चुअली यू नो वॉट आर आर अचीवमेंट्स एंड उस देंस में अगर मैं बात करूं तो ये कपल ऑफ आर स्टूडेंट हैल इंडिया हाइएस्ट मार्क्स इन द पेपर ऑफ ऑडिट वन वॉज पलक अग्रवाल एंड अनादर वॉज मोहित अग्रवाल मोहित गॉट एटी फाइव मार्क्स पलक गॉट जस्ट सेवेंटी मार्क्स एंड शी टॉप एंड शी गॉटिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ द बेस्ट पेपर अवार्ड एफ आर की अगर मैं बात करूं तो अरिहंत जैन वॉज वन ऑफ आर स्टूडेंट हुई मार्क्स तो उस एंगल से अगर आप देखो तो यू हैव गॉट टॉपर्स एज ऑफ नाउ फॉर ऑडिट कपल ऑफ टाइम्स बट एफ आर के लिए एक बार नाइनटी सिक्स मार्क्स के साथ इसका मतलब एफ आर में गुंजाइश बाकी है एंड लेट्स सी ही क्या पता कि इस लाइव बैच में से ही अगला वो हमें टॉपर निकले और ये भी हो सकता है कि अर्यन ने चार मार्क छोड़े हैं आप लोगों के लिए 96 लेके आया सर इतने आते हैं क्या एफ में हमें तो पता ही नहीं था तो ऑब्वियसली विद अटेम्प्ट यू नो द मार्किंग डज वेरीज इन टर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूट चेकिंग बट सॉ की अगर मैं बात करूँ तो यस वन ऑफ आर स्टूडेंट अमितेश जैन he got 100 out of 100 marks in IPCC accounts. so he was तो of our students in ipcc or intermediate abhi and he got 100 on अभी in accounts final mein halaki abhi tak koi student में हालांकि अभी तक कोई aapki लेके नहीं ek तो सर आपकी बात से एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि अगर हमारा सरनेम जैन है अमितेश जैन अरियन जैन तो एफ में हमारी प्रोबाबिलिटी बहुत ज़्यादा है अच्छे मार्क्स लाने की और ऑडिट में अगर अग्रवाल है तो हमारी प्रोबाबिलिटी बहुत ज़्यादा है एनीवेज आई नॉट सेक्ट आई से जो भी बाकी सब लोग हैं दे हैव अ चांस टू प्रूव कि भैया जयन और अग्रवाल के अलावा भी टॉपर्स निकलेंगे एंड बिफोर आई कम टू दैट पर्टिकुलर थिंग लेट मी गिव यू अ वेरी क्विक इनपुट इन टर्म्स ऑफ यू नो दी आर रनिंग दिस पर्टिकुलर बैच एंड वे यूल बी यूजिंग इट क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी बैकअप क्या होगा लेट्स फर्स्ट क्विकली टॉक अबाउट दोज थिंग्स सबसे पहले मैं आपको एक सेटअप समझा देता हूँ कि किस तरह का है और वो बताने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त आपसे uh, ये लाइव बैच आपने ज्वाइन करी है एंड दिस इज लाइव एट होम अब लाइव एट होम का आपको पूरा आनंद नहीं उठाना है ये सोच के कि सुबह बजे बढ़िया लैपटॉप को निकाला और रजाई निकाली और बढ़िया ठंड में अपन ओढ़ के वही बिस्तर पर बैठे हुए इनफैक्ट अगर कोई ऐसे बैठ के पढ़ाई कर रहा है तो कृपा करके बताए इनफैक्ट सभी लोग एक बार चैट में प्लीज बताओ कि आपकी अभी की पोजीशन आपने जो लिए वो कहाँ की ले रखी है आर यू सिटिंग ऑन योर बेड या टेबल चेयर पे या बढ़िया घूमते फिरते या कोई मुंबई वाला लोकल में जाके बैठ चुका है और रस्ते में ये सेशन <coughs> कर रहा है इन फैक्ट प्लीज शो दैट पर्टिकुलर थिंग आप चैट करिए क्योंकि मैं आपसे आई के नॉट टॉक टू यू बट आई कैन डेफिनेटली सी योर चैट्स एंड आई कैन शो योर चैट्स ऑल्सो योर सो लेट मी सी आप लोग एग्जैक्टली uh, 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 <coughs> so, uh, 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 exactly कैसे कर रहे हैं बट माई रिक्वेस्ट इज आप इस क्लास को सिस्टमैटिकली बैठ के करिएगा बिकॉज देर बी अ लॉट ऑफ राइटिंग स्टाफ विच इज गोइंग टू गो ऑन द वे यू कैन एक्सेस दीज क्लासेस इज बेसिकली थ्रू इज देर इज बेसिकली थ्रू एन एंड्रॉइड मोबाइल और थ्रू अ विंडोज लैपटॉप ईदर ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल एज फार एज निश्चय बोल रहा है सर टेबल चेयर पर ही चिंता मत करो आप स्टडी uh, टेबल पर है मयंक भी ऐसा कह रहा है इनफैक्ट आई कैन शो यू सम सम्स ऑल्सो इफ इन केस आपको विजिबल होती है तो ओके okay, निश्चय भी टेबल पे दिशा भी बोल रही है डाइनिंग टेबल पर है बढ़िया नाश्ता चल रहा है इधर मम्मी लाते जा रही है और पीछे से हमारा बढ़िया लेक्चर भी चलते जा रहा है इनफैक्ट लाइव बैचेस की अगर मैं बात करूं तो आई जस्ट क्विकली टेल एंड्रॉयड और लैपटॉप के थ्रू आप इसे देख सकते हैं क्लास uh, में आपको इंटरनेट ठीक ठाक लगेगा एक क्लास के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा डेटा कंजम्पन कितना होता है आई वुड से अगर आप घर पर कर रहे हैं मोस्टली वही चांसेज देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल हो सकता है बिकॉज नाउडे इज सात सौ रुपये महीने में आप ईजीली एक अच्छा अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड कनेक्शन ला सकते हैं और आप अफोर्ड उसे अगर मैनेज कर सकें तो आई एम श्योर कि ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी इससे कहीं ज़्यादा हो जाते होगी तो प्लीज़ यूज़ दैट अदरवाइज यू कैन यूज़ योर मोबाइल डेटा and definitely keep a data pack which is specifically for this particular batch so that we have seamless learning agar aapne data ko manage kar liya to i think 90% of your issues with terms of connectivity and other things will be more or less settled next backup क्या होगा तो क्लास कंप्लीट होने के बाद सेम क्लास वुड बी अवेलेबल ऑन द एप आफ्टर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तो इन केस आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप सेम डे पर उसे क्लास को देख सकते हैं बट देर विल बी अ टोटल ओवरऑल लिमिट इन टर्म्स ऑफ हाउ मच लेक्चर्स कैन यू वॉच हालांकि ये बैकअप अवेलेबल आफ्टर हाफ एन आवर इज गोइंग टू टेक अ वीक्स टाइम बिकॉज दिस इज इवॉल्विंग द होल ऐप एंड द होल सिस्टम बट टिल दैट पर्टिकुलर वीक ऑल्सो यू कैन से बाई इवनिंग वी विल बी अपलोडिंग द लेक्चर ऑफ द सेम डे तो इनकेस अगर आपका लेक्चर मिस हो गया है, कोई पार्ट मिस हो गया तो आप उतना पर्टिकुलर पार्ट वहां पर देख सकते हैं आपको ओवरऑल समझाया गया होगा कि आपको टोटल हंड्रेड आवर्स का बैकअप मिलेगा जिसका मतलब यह है कि आपके पास ए कोई भी लेक्चर जो क्लास का है देखने की सुविधा है बट सब्जेक्ट टू ओवरऑल वॉच टाइम ऑफ हंड्रेड आवर्स ये क्यों लगाई गई है लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू लाइव बैच का बेनिफिट क्या श्योर आप लोग सब यहां पर हैं तो यू डेफिनेटली नो दैट पर्टिकुलर फॉर अ फैक्ट किट्स ऑन एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ रेगुलरिटी दूसरा एडवांटेज सर मैं तो सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट हूं मुझे रेगुलर अदरवाइज किसी को करने की जरूरत नहीं है यू हैव दटेज लुकिंग एट चैट्स ऑफ द अदर पीपल विच मीन असेंशियली एडवांटेज ऑफ इनश्योरिंग दैट यू ऑल्सो गेट टू नो द डाउटेंट आर ऑफ स्किन कई लोगों के लिए आइडियल टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से हो जाएगा क्योंकि हो सकता है अभी लॉकडाउन के दौरान से ये दिसंबर में आपके ऑफिस में प्रेशर ज्यादा हो नौ दस बजे ही अपना दिन शुरू होता हो तो तब तक तो अपनी क्लास ही पूरी कंप्लीट हो जाएगी एंड डेफिनेटली एक इंटरैक्शन एक लाइव डाउट सॉल्विंग का आपको बेनिफिट मिलेगा डिसएडवांटेज क्या है सिर्फ इतना है कि आपके पास बैकअप की एक लिमिट है जो कॉन्शियसली इसलिए डाली गई है फॉर द वेरी पर्टिकुलर रीजन दैट वी वॉन्ट यू टू बी रेगुलर इन टर्म्स ऑफ सी इन द क्लास अगर आपको हंड्रेड परसेंट लेक्चर बैकअप में भी हंड्रेड परसेंट टाइम के लिए मिल जाएंगे आज ठंड बहुत हो रही है आज तो सुहानी ठंड लग रही है हमें मौसम खूब खूबसूरत है तो आज तो रजाई ओढ़ के फिर सो जाइए तो वी रियली डोंट वॉन्ट यू टू डू दैट एंड वी वॉन्ट यू टू मेंज दिस पर्टिकुलर रीजन दिस इज बेसिकली वॉट अबाउट द लाइफ बैच इज एज आई सेट द सॉफ्टवेयर इज इन्वॉल्विंग सो देर आर लॉड ऑफ थिंग्स यू आर हैविंग योर तो आपको सबको एक टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक शेयर किया गया है ज्वाइन करना है अभी इनिशियल लेवल पर वी विल बी टेकिंग क्विजेज इन द टेलीग्राम ग्रुप स्टूडेंट बोल सकते हैं सर वो जो क्विज वहाँ पर आएगी हमें बाद में कैसे मिलेंगी तो आई वुड डेफिनेटली से कि हमने उसके सेपरेट क्विज सारी एक फॉर्म में भी क्रिएट कर दी है जिसको हम आपको अलग से आफ्टर द क्लास शेयर करेंगे क्लास का हमारा मॉडल क्या होगा तो मॉडल सिंपल जैसे अपनी क्लास अभी चल रही है वो चलेगी

इन दिस पर्टिकुलर ऐप इट सेल्फ यू विल गेट दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जिसमें आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर सुन सकते हो दैट इज गोइंग टू टेक एटलीस्ट टू मंथ्स टाइम फॉर यू तो अभी आप बैच कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपके पास वो इजिली अवेलेबल रहेगा आप ऑडियोज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द टाइम लिमिट सुन पाएंगे सो आई थिंक यू नो दिस इज समथिंग विच इज रिस्पेक्ट ऑफ द लाइफ बैचेज आई होप कि आपका लेक्चर सीमलेसली चल रहा है जहां पर भी आप देख रहे हैं एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए आर यू फेसिंग एनी टेक्निकल प्रॉब्लम आई वुड स्टार्ट विद डिस्कशन ऑफ आर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीपल आर यू फेसिंग एनी टेक्निकल इश्यूज एनी ऑफ यू सो प्लीज मैं फाइन बोल दो सर एकदम सब बढ़िया निशान बोलता है चाय पे चर्चा चल रही है सर बहुत बढ़िया चलिए तो इफ यू आर फेसिंग एनी टेक्निकल इश्यूज प्लीज लेट मी नो अदरवाइज लेट्स मूव ऑन एंड ऑल्सो जस्ट आई होप की वॉइस इज ऑल्सो फाइन इन केस यू मिस क्लास यू कैन वॉच अराउंड थर्टी डेज की क्लासेस आप ऐसा भी बोल सकते हो आप ये भी बोल सकते हो कि आप हर क्लास का एक एक घंटा कोई भी अपनी इच्छा से उठा के भी देख सकते हैं आई होप दैट आंसर यूर क्वेश्चन दिशा ओके एनी अदर क्वेरीज यू हैव प्लीज आस्क अदरवाइज लेट्स गेट गोइंग ऑन टू इट चलिए जूही से इज ऑल ओके रिचा से इज एवरीथिंग इज फाइन चलिए ओके सब बढ़िया सार्थक का नाम भाई है ये तो हमारा है ना ये बढ़िया करके आना है आपको एफ आर में मयंक एवरीथिंग इज फाइन हाउ टू स्टार्ट द कैमरा इफ यू वॉन्ट टू आई नॉट सी यू डेफिनेटली एंड आप लोगों को मुझे जब मैं आपको कॉल करूंगा तब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा चलिए पुनीत सेज एवरीथिंग इज फाइन चलिए तो देर वॉज अ लॉड ऑफ एफर्ट इन फैक्ट आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ यू नो गिव अ स्पेसिफिक शॉट आउट टू The team who is kind of working uh, very hard to just make sure that our class class he has no technical issue. I'm sure you must be knowing this is the first time we are coming with a live at home kind of a concept. So uh, thank you for that, and now let's uh, move on to our discussion. So, those now you take out copy pen and let's start uh, noting certain things down. Now, what I'm talking about is basically about the FR subject, and when I'm talking about the FR subject. I'll be first talking about your syllabus. ये सारी अगर आप देखेंगे तो आपको ब्रह्मास्त्र में भी मिल जाएंगी तो इफ़ यू ओपन युक दिसेबस आपको दिया हुआ है बट डिस्पाइट दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक श्योर की आप लोगों की कॉपीज प्रॉपर रहे क्योंकि रिविजन के दौरान पे आप अपनी कॉपीज एक बार देखोगे तो वील बी नोटिंग डाउन सर्डन थिंग्स योर सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में प्राइमरली अब आपके कोर्स में इंडेस है इस इंडेस के सिलेबस को आई कैन काइंड ऑफ डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स लेट्स इनटू थ्री पार्ट्स। पार्ट वन इज बेसिकली आई वुड से ऑल योर चैप्टर्स पार्ट टू I'm um, this is basically India's. And part three, let's say these are all the other topics. Then I say part 1 is uh, chapter. Sumti says there's been buffering uh, quite a lot of times. I think uh, uh, you need to check your internet connection because that's not a common feedback I have got. हाँ ये जरूर है कि मेरी बात आप तक पहुँचेगी उसमें कुछ दस बारह पंद्रह सेकेंड का लैग होगा चलिए चैप्टर्स देन इंडेज एंड देन अदर टॉपिक्स चैप्टर में हमारे पास क्या क्या चैप्टर है द फर्स्ट चैप्टर जिससे आज हम शुरुआत करेंगे इज बेसिकली द रोड मैप टू इंडेज विच यू कैन सिंपली से द रोड मैप एंड एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे अपन समझेंगे कि इंडेस किन एंटिटीज को फॉलो करना है? क्या पे भी इंडिया एप्लीकेबल है क्या वो वॉलंटरली फॉलो कर सकते हैं इफ़ एल एल पी इज अब्सिडरी इज दैट रिक्वाइड टू फॉलो इंडेस वट अबाउट ग्रुप जहां पे कुछ पे एस कुछ पे इंडेस लग रहा है वॉट अबाउट बैंक इंश्योरेंस कंपनी तो ये पूरा चैप्टर आपको बताएगा कि इंडियाज एक्जैक्टली फॉलो किस करना है देन आफ्टर दैट वील बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोथ फ्राम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल यू आर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू विच इज schedule 3 and इंडियाज वन क्योंकि आप पहली बार इंडेस पढ़ रहे हो ऑब्वियसली इन इंटरमीडिएट व्हाट यू हैव स्टडीड इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंटर आप एस पढ़ते भी हैं तो सेकेंडरी रखते हैं उसको यहां पे सब कुछ इंडेस है और इंडेस का सोच लॉजिक तरीका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अलग है इनफैक्ट इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट ही अलग है बैलेंस शीट में आप यहां पहले एसेट्स दिखाते हैं अनलाइक एस यहां पे आप पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड दिखाते हैं क्लासिफिकेशन भी करंट नॉन करंट के अंदर सेपरेट चलता है तो दैट इज वाई हम क्या करेंगे स्पेंड गुड फाइव फाइव ऑलमोस्ट हमारे प्योर सिर्फ वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में होंगे कि यार इंडियज एग्जैक्टली exactly होता क्या है और उसके अंतर्गत फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते सो दैट व्हेन यू स्टडी द चैप्टर्स यू हैव एग्जैक्ट आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ हाउ आर और हाउ थिंग्स आर गोइंग टू शेप अप इन दिस पर्टिकुलर थिंग आई अंडस्टैंड कि आप लोग अलग अलग, अलग बैकग्राउंड आए होंगे कहीं होगा इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड अकाउंटिंग का स्ट्रॉन् कुछ का नहीं भी होगा तो वील बी गोइंग राइट फ्रॉम द बेसिक इसलिए हम जब टेक ऑफ करेंगे तो इस पर अच्छा खासा समय देंगे बिकॉज यू नो इवन वेन अ एरोप्लेन टेक्स ऑफ द ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द फ्यूल ऑफ द जर्नी इफ इट्स टू थ्री आयर्स जर्नी एक्चुअली गेट्स कंज्यूम्ड इन दो वी विल बी अ लिडल focused when we are we will be a little more uh, 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 we will be giving a little more time when we are actually taking up off so that everybody comes to the same pace and then definitely we can work on the timings Iske baad we will start with one of the most important chapter which is financial instruments ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है ही नहीं पहले ए एस थर्टी थर्टी टू हुआ करते थे बट देन रिपील्ड लेटर ऑन और वो भी रिकमेंडेटरी थे थे जब थे. और ये सिर्फ इंडिया है और ये बेस है पूरे के पूरे दूसरे स्टैंडर्ड्स का इसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट इफ नॉट ऑल ऑलमोस्ट हर दूसरे स्टैंडर्ड पे आता है तो विल बी फर्स्ट स्टार्टिंग विद दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लवेबल पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड डेफिनेटली वन ऑफ द वंस एंड वन ऑफ द टिपिकल एंड चैलेंजिंग वंस

फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर आप बात करोगे तो दिस इज नथिंग बट देर आर थ्री इंडेज विच टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कंसॉलिडेशन के देर आर वेरियस स्टैंडर्ड विच टॉक्स अबाउट कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंक्लूड्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ये आप सिर्फ कॉपी में नोट करने के लिए अभी रख लो अभी आपके लिए ये सब uh, कुछ फ्रेंच uh, है आपको नहीं समझ में आएगा कि ये नंबर्स जो लिख रहा हूँ मैं ये क्या है बट आप इतना समझते हो कि ये सब क्या है बेसिकली दीज आर ऑल नंबर्स ऑफ द स्टैंडर्ड और ये नंबर नहीं है एक्चुअल में कोड है जिसका बेसिस भी मैं आपको समझाऊंगा देन यू हाफ बिजनेस कॉम्बिनेशन विच इज इंडेस वन जीरो थ्री एंड देन यू हाइव शेयर बेस पेमेंट विच इज इंडेस वन जीरो टू तो आप यूँ समझ लो जैसे आप इंटरमीडिएट में देखते थे कि अमाल गूस टू बी ए चैप्टर फॉर यू बट एक्चुअली इट वॉज कमिंग फ्राम एज फोर्टीन बट दे यू नॉट स्टडिंग एज फोर्टीन यू आर स्टडिंग सो मनी थिंग दीज आर जस्ट लाइक दैट इसके बाद में जितने भी आपके कोर्स में बचे हुए स्टैंडर्ड्स हैं ऑल द रिमेनिंग स्टैंडर्ड्स इसे मैं क्लासिफाई करता हूं एज रिमेनिंग इंडेज तो इन टोटल हमारे पास कितने स्टैंडर्ड्स हैं सर तो वी हैव इंडे वन टू फोर्टी वन एंड वन जीरो वन टू वन वन सिक्स ये नंबरिंग का एक लॉजिक होता है एल बी एक्सप्लेनिंग दैट लॉजिक टू यू सो इन टोटल अगर आप देखोगे तो बीलाप थर्टी नाइन फोर्टी आउट स्टैंडर्ड्स विच आर देर और ये थर्टी नाइन आउट स्टैंडर्ड्स में से मेजर चैप्टर्स में कई सारे स्टैंडर्ड निकल जाएंगे बचे हुए फिर इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आपका स्टैंडर्ड हो गया इंटेंजिबल असेट्स हो गया इंपेयरमेंट हो गया जो आप इंटरमीडिएट में जैसे देखते थे रिमेनिंग टॉपिक्स में आप कुछ खास है नहीं इनफैक्ट सिर्फ दो टॉपिक्स हैं जो आपके कोर्स में है एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अकाउंटिंग और एक थियोराटिकल चैप्टर है जिसे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कहते हैं जिसके ऊपर आज तक एक ही बार क्वेश्चन आया यहाँ पे कोई इंडेस एप्लीकेबल नहीं होता है अब ये सारे चैप्टर्स को हम कवर किससे करोगे तो यू कैन नोट दिस पर्टिकुलर थिंग डाउन ऑल दीज लार्जर चैप्टर्स यू विल बी कवरिंग बेसिकली थ्रू द ब्रह्मास्त्र बुक विच इज बेसिकली वॉट सो ब्रह्मास्त्र बुक एक्चुअली इज योर टेक्स्ट बुक बोल लो या यू समझ लो कि ये एक फैकल्टी की बनाई हुई नोटबुक है तो जैसे आप सारी चीजें नोट कर रहे हो ना वैसे फैकल्टी ने नोट्स बनाए आपके लिए और वो बना के उसको थोड़ा सा रंगारोपन करके उसको खूबसूरत बना के आपके सामने परोस दिया आई बी पर्टिकुलर बुक जिसके आपके साथ लिंक भी शेयर करिए जो नोट्स हैं इफ आई टॉक अबाउट द रिमेनिंग इन डेज इसके भी आपको ड्रोन चार्ट मिलेंगे विच आर नोन एज द ड्रोन चार्ट ये सब चार्ट बोलने के लिए दीज आर नॉट समरी ये डिटेल में सब कुछ आपको बताते हैं

बट इसको आप सिर्फ इस उद्देश्य से है कि सबसे कम समय में आप पूरे एफ आर को क्विकली रिवाइज कर सको इनफैक्ट वॉट आई डू इज़ आई एक्सटेंड दिस टिल हियर बिकॉज़ योर अदर चैप्टर्स आर ऑल्सो कवर्ड और इन सब के अलावा वॉट यू गेट इज अ स्ट्राइकर बुक आपको जो स्ट्राइकर मिलने वाली है दैट इज गोइंग टू बी स्ट्राइकर 4.0

इन ऑल आपको टोटल तीन किताबें मिलने वाली है और इसके साथ में कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं चालाकी सो वट वी ऑल्सो हैव इज बोर्ड नोट दिस इज समथिंग विच इज पॉसिबली मोर रेलिवेंट फॉर मोर रेलिवेंट फॉर स्टूडेंट टेकिंग द ऑनलाइन डाउनलोड यानी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाली बात ये क्या है समझना जितनी चीजें दोस्तों में लिख रहा हूं ये सारी की सारी चीजें इस तरह से स्टूडेंट क्या करते हैं प्रिंट निकाल देते हैं इसका मतलब क्या है डेली बेसिस आप अंदर ही आपको कुछ समय बाद मिलने वाला है अभी आप इसको अपनी फास्ट की वेबसाइट से जाके यू कैन डाउनलोड दैट पर्टिकुलर कैन गो टू फास्ट डॉट ईडी फॉर द मोमेंट

तो जैसे आप फास्ट एजुकेशन की साइट पर जाएंगे अच्छा कुल सो हियर इफ यू सी देर इज अ स्टूडेंट लॉग इन सेक्शन ताला है इसको आपको खोलना है एंड वंस यू गो इन हियर यू विल हैव टू पुट इन योर लॉग इन आई एंड पासवर्ड विच इज समथिंग विच विल बी शेयरिंग विद यू लेटर ऑन एंड चलो छोड़ो अभी ये नहीं दिखा रहा मैं और उसके बाद में आप वहां पे डेट वाइज लेक्चर वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे तो ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी कई स्टूडेंट क्या करते हैं ये पूरी पीडीएफ का एक डाउनलोड करके अपने पास रख लेते हैं जो बाद में उनको कभी रेफर करना है मेरे नोट्स को तो काम आता है जो स्टूडेंट्स बाद में लेक्चर देख रहे हैं वो इसे डाउनलोड करके टाइम बचाने के लिए लेक्चर फुल स्पीड में करके फटाफट उसी में अपने नोट्स बनाना शुरू करते हैं सेपरेटली नोट्स नहीं बनाते आई वुड नॉट से रेकमेंडेड है ऐसा करना बट देन इफ यूर शॉर्ट ऑफ टाइम इट कुड बी अ गुड स्ट्रैटेजी

एक्सक्यूज मी तो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर का एक्स्ट्रैक्ट सिर्फ आपके साथ शेयर किया है। इसमें ये सारे चैप्टर्स जो मैंने यहाँ पे दिए हैं ब्रह्मास्त्र में कवर्ड है उन सबका इंडेक्स है और ये इस तरह से आपको खूबसूरत तरह की एक किताब दी गई है फर्स्ट में आपको मैंने ये बताया कि ये बैच किसके लिए रेलिवेंट है ये बुक्स और इसमें सिलेबस uh, के बारे में कुछ चीज़ें और अदर uh, स्टफ ठीक है विच एक्सप्लेन यू फॉर द देन यू कम टू द्रोन चार्ट्स तो द्रोन चार्ट आपके इस तरह के होंगे तो यू गेट चार्ट लाइक दिस और ये आप देख सकते हो जस्ट फॉर योर रेफरेंस क्विकली दीज आर काइंड ऑफ द्रोन चार्स विच विल भी गेटिंग विद एंड देन स्ट्राइकर उसमें क्वेश्चन बैंक है आपकी एंड द क्वेश्चन बैंक लुक समथिंग लाइक दिस इन so ऑल अगर आप देखोगे तो स्ट्राइकर में वी एर्ट 1300 हंड्रेड ऑट क्वेश्चन इन द प्रीवियसिंग विच इज गोइंग टू हेव अराउंड 1700 ऑट क्वेश्चंस वी हैव ऑल द स्टडी इनटू इट स्ट्राइकर के बारे में इनफैक्ट मैं आपको एक क्विकली चीज बता दू कुछ आप लेजेंड देख लीजिए यहाँ पे जिससे आपको समझ में आएगा क्लास में हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं एक बेसिक सा फंडामेंटल है जो मैं बहुत अच्छे समझता हूँ स्टूडेंट चाहता है कि आईसीआई के मटेरियल के सारे क्वेश्चंस मेरे क्लास में कवर हो जाएं और मेरे मटेरियल में भी हो क्योंकि मुझे वो सबसे इंपॉर्टेंट लगता, लगता है कि क्वेश्चन रीजन वॉट वीव डन वीव इनकॉर्पोरेटेड एवरी क्वेश्चन ऑफ द इंस्टीट्यूट स्टडी मटीरियल इन योर बुक नाउ विंग इनकॉपोरेटेड स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेटेड एम और आर और पास्ट एग्जाम पेपर नवंबर 2020 तक का इनकॉर्पोरेटेड इसके अलावा इंस्टीट्यूट एजुकेशन मटेरियल मेंबर्स के लिए पब्लिश करता है जिसमें वो बता है कि भैया आपको कोई स्टैंडर्ड समझना है ना तो हम आपको एजुकेट कर रहे हैं मेंबर्स को भी एजुकेट करने की जरूरत होती है ज्यादा होती है सर हमसे और एक क्लैरिफिकेशन बुलेटिन है जो ये बताता है क्लैरिफाई करता है कि आ, अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं एंड देन बेस्ड ऑन ऑन द इंडस्ट्री दे मैटर्स ये दोनों कई सारे क्वेश्चन आंसर्स या एफ पब्लिश करते हैं मोस्ट ऑफ देम आर रेलिवेंट फॉर सम ऑफ देम कुड बी रेलवेंट फॉर स्टूडेंट्स वी आइडेंटिफाई देम एंड वी ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दो कुछ जगह आज भी स्टडी मटेरियल पास्ट एग्जाम आरटीपी एमटीपी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कमी है जैसे कंसोलिडेशन चैप्टर में इंस्टीट्यूट का मटेरियल इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन बहुत ही डेफिशिएंट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी अगर देखा जाए तो जितने होना चाहिए उतने नहीं है फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन कुछ आईएफआरएस के क्वेश्चन को मैंने एस्पर इंडेस रीड्राफ्ट करके यहां पे आपके साथ शेयर किया इसके अलावा जो एफआर ओल्ड कोर्स का प्रैक्टिस मैनुअल होता था उसके मैंने देखे कि कुछ एग्जाम में उसके क्वेश्चंस पूछे गए तो उनके क्वेश्चंस को एज पर इंडेस रिड्राफ्ट किया गया आपकी क्लास में जितने भी आपको स्ट्राइकर में क्वेश्चन मिलेंगे उसके सामने नोटिंग दी गई है कि ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है अगर आपको नोटिंग दी गई है एस एम इससे आप समझ जाइए कि दिस इज बेसिकली अ स्टडी मटेरियल क्वेश्चन इफ द नोटिंग इज सी विच इज क्लैरिफिकेशन बुलेटिन और एजुकेशन मटेरियल RT MT AD रिलेटेड कुछ एफ एक्स इंस्टीट्यूट कोविड का सीवीडी हमने वहां पर मार्क किया लेकिन ये सारे क्वेश्चन भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है प्लस कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए हमें कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन लेना पड़ते हैं नॉट फॉर राइटिंग इट the ans answer, answering it from exam point of view rather basically from the point of view of developing our concept in sabko main concept builders kehta hu Concept builder मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है जो अपन क्लास में कॉन्सेप्ट सीखते समय यूज करेंगे रिवीजन के समय आपको शायद कॉन्सेप्ट बिल्डर देखने की जरूरत नहीं है इनिशियल प्रिपरेशन के समय जरूर आपको ये देखना पड़ेगा कहीं डाउट आए तो आप कॉन्सेप्ट बिल्डर को रेफर कर सकते हो इसी बात है जो प्रैक्टिकल नेचर के न्यूमेरिकल नेचर के आपके सब्जेक्ट्स हो या चैप्टर्स होंगे वहां पे हमें कॉन्सेप्ट बिल्डर्स यूजुअली देखने को ज्यादा मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डर्स के आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे इस किताब में वो हम क्लास में डिस्कस करते हैं बाकी सारे क्वेश्चंस के आपको किताब में ही आंसर दिए गए हैं एंड दिस इज द वे आप देख सकते हो चैप्टर वन में ये सी बिन्सेप्ट बिल्डर हैं और फिर उसके बाद सी इस तरह के जो भी आपके एडिशनल है वो यहां पर आ जाएंगे अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेल यू इज इन योर मटीरियलो बी गेटिंग इज वन पर्टिकुलर चार्ट लाइक दिस हर चैप्टर का आपको इस तरह का एक एनालिसिस मैं आपके बुक में ही दूंगा इस किताब के ना इस एनालिसिस में आपको ये मिलेगा कि कितने कितने क्वेश्चंस किस किस पर्टिकुलर कैटेगरी के इस चैप्टर में और एग्जाम में ये सवाल कितनी बार आ चुका है इस पर्टिकुलर शीट को मैं जल्दी से हटा दूं तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं वो आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है क्या बात कर रहे हो सर बढ़िया सोने जा रहे हैं हम वापस से तो दोस्तों रोड मैप जो हमें डिस्कस करना है उसका एग्जाम में आज तक क्वेश्चन नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी नहीं आएगा बट ये इट इज डेफिनेटली नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम हालांकि आप सुन लो पूरी बात हेलो 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 सुन लो पूरी बात ऑडिट के पेपर में दो बार क्वेश्चन आ चुका है रोड मैप का जी हाँ नवंबर 19 में लेटेस्ट क्वेश्चन आया था रोड मैप के ऊपर ऑडिट के पेपर में ऑडिट में भी आप देखते हैं यूजुअली एक क्वेश्चन बेस्ड इंस्टीट्यूट पूछता ही है और वहां पे एप्लीकेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा होती है तो इसका रेलेवेंस ऑडिट में ज्यादा है ये थोड़ा सा फायदा है आपको एक फैकल्टी से पढ़ने का जो ऑडिट एफ दोनों पढ़ा रही है आपको वहां का भी थोड़ा ज्ञान यहाँ पर मिल जाएगा बट एफ में इसका अभी तक कोई सवाल नहीं आया तो यू गेट एन एनालिसिस लाइक दिस बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि अगर आपको एग्जाम से पहले सिर्फ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करना आपको एग्जैक्टली exactly पता है कौन से स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आप उस पर जाके सीधे अपना प्रैक्टिस uh, कर सकते हैं चलिए आई होप दिस इज फाइन इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाट द बुक्स व्हाट द मटेरियल यू विल बी गेटिंग तो एक तरह से मैंने सिलेबस के साथ साथ में ही आपके साथ एक और डिस्कशन कर लिया विच इज बेसिकली अबाउट द बुक्स इन ऑल आपको तीन किताबें मिलेंगी एक बात और बता दू

इट वेंट अप टू समवेयर अराउंड 95 लेक्चर्स आप ले समझ लीजिए कि हमारी इस बैच को भी हम रफली 90 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे प्लस माइनस फाइव लेक्चर्स ए एफिशिएंसी के कारण थोड़ा सा हमारा टाइम बचेगा पर बी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाने के कारण हमारा थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा सी लाइव में हमने कोशिश पूरी करी है कि हमारा टाइम एज सच बड़े ना क्योंकि कईयों के दिमाग में रहता है लाइव है तो, लाइ तो खूब सारी फालतू की चैट होगी फालतू के क्वेश्चंस और डाउट्स आएंगे ऐसा नहीं होता है ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि पहले भी जो मेरी क्लासेस क्लासेस होती होती थी वो थी वो सब लाइव एज इन फेस फेस टू क्लासरूम क्लासेस होती थी, थी तो, तो, तो डाउट्स के अपने फायदे होते हैं तो, तो दिस इज बेसिकली अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द बैच एंड वी विल बी रनिंग द बैचेज लाइव स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं तो वी विल बी रनिंग दिस बैचेस फ्रॉम एम टू एस सर का क्या मतलब है ये आपको कुछ समय बाद पता पड़ जाएगा सर सैटरडे या संडे मैंने बोला ना कुछ समय बाद पता पड़ जाएगा तो यूजुअली यूजुअली वी वी विल विल हैव हैव क्लासेस क्लासेस ऑन ऑन संडे संडे आप यू बोल दो आई बी वेरी मैं आपको महीने में एक आध संडे कभी हुआ तो दो संडे की भी छुट्टी दे दूंगा एक जनवरी डेफिनेटली न्यू ईयर पे आपको छुट्टी मिलेगी क्रिसमस अपन लोग साथ में मनाएंगे इस तरह की कोई छुट्टी आपको नहीं मांगना मुझसे दिस इज अबाउट द ड्यूरेशन तो आप इसके बेसिस पे सोच सकते हो 90 लेक्चर प्लस माइनस आप 10 दिन जोड़ लीजिए तो 100 डेज हमारा कंप्लीशन टाइम हो सकता है 90 लेक्चर्स हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स हो सकते हैं जिसमें हमने छुट्टियां मिला दी तो सौ दिन हो गए एंड uh, आप ये कह सकते हो दिस कुड वेरी बाय अ वीक फाइव डेज और समथिंग ठीक है सो वी डन विद द ड्यूरेशन नाउ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेट इस क्विकली कम टू दी एग्जाम पेपर

जो आपको शुरू के पंद्रह मिनट के रीडिंग टाइम में डिसाइड करना है कौन सा छोड़ना है तो क्वेश्चन नंबर नंबर तो क्वेश्चन टोटल कितने हो गए पांच क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी फोर कंपलसरी क्वेश्चन किस पर्टिकुलर टॉपिक से आता है दर इज नो क्लैरिटी हो सकता है ये कभी कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आ जाए हो सकता है इसमें रिमेनिंग इंडेज के क्वेश्चन आ जाए हो सकता है इसमें शेयर बेस पेमेंट आ जाए इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिकली यहां पे कोई ट्रेंड नहीं है कि पहला हमारा क्या होने वाला है सेकेंड आई से डू एनी फोर इसका मतलब आपके पास पांच में से एक क्वेश्चन छोड़ने का चॉइस है जो आपको शुरू में डिसाइड करना है एवरी क्वेश्चन तो नाउ मैं आपको ऐसे क्यों वे ऑफ एक्सप्लेनिंग यू दीज थिंग्स सो वट एल डू इज आई जस्ट क्विकली टेल यू कि अपना नवंबर 2020 का पेपर कैसे आया था आई होप कि आपको एज सच कोई इशू नहीं है बिकॉज आई नीड टू फर्स्ट स्पेंड ऑलमोस्ट अपना आज की बैच का शुरू का 30 मिनट्स इंट्रोडक्शन में 30 मिनट्स गिविंग यू अ बैकअप इन टर्म्स ऑफ ब्रेकअप इन टर्म्स ऑफ पेपर क्या होता है कैसा सिलेबस है क्या कोर्स है मुझे बताना है आपको ताकि आपको एग्जैक्टली exactly पता रहे एनी पॉइंट ऑफ टाइम के अपन बैच में कहा है और आगे क्या होने वाला है और ये सब हम किस उद्देश्य से कवर कर रहे हैं चलिए अपनी भीलवाड़ा से अभी आई हैं क्या ओके okay, वेलकम तो देखिए ये पेपर है आपका येलो कलर में न्यू कोर्स का पेपर आता है वाइट कलर में ओल्ड कोर्स का आता है और आप पेपर देखोगे तो पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो यू कैन फाइंड इट योर ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका ट्वेल्व मार्क्स का है दिस वॉज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रमेंट्स कंपल्सरी क्वेश्चन जो इस बार आया था एंड द सेकंड क्वेश्चन वॉज बेसिकली फॉर एट मार्क्स जो आपका ईसॉप का क्वेश्चन था इनफैक्ट नॉट ईसॉप शेयर बेड सॉरी eps का क्वेश्चन था अर्निंग पर शेयर इंडेक्स 33 के ऊपर बेस आई एम श्योर ये eps सुनाया आप लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन में पहला पार्ट 14 मार्क्स का है दूसरा पार्ट अगर आप देखोगे सो दैट इज वर सिक्स मार्क्स थर्ड में आप जाओगे तो यू विल फाइंड देयर आर थ्री पार्ट्स ए बी एंड सी 8 8 एंड फोर मार्क्स के यानी कि पेपर अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि पेपर का पैटर्न क्या होता है यू हैव मल्टीपल क्वेश्चंस बट कोई फिक्स नहीं है कि पांच पांच पंद्रह इसी तरह के मार्क्स के क्वेश्चन आपको आएंगे इनफैक्ट जब भी आपका पेपर कंप्लीट होता है तो जस्ट आफ्टर द पेपर गेट्स ओवर आई डू ऑफ ऑफ द द पेपर 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 एंड आई 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 एन एनालिसिस एसेंशियली एम टॉकिंग अबाउट कि पूरे पेपर को मैं एक सेम डे इनफैक्ट इस बार तो मैंने आई शो यू दिस एनालिसिस इन इनफैक्ट ये देख लीजिए इससे आपको समझ में आ जाएगा पैटर्न क्या होता है तो एग्जाम इस बार पांच बजे आपकी खत्म होती है 5:20 ट्वेंटी पे हम लाइव चले गए और पूरा पेपर हमने एनालाइज कर दिया और ऐसा मैं पिछला न्यू कोर्स आपका 2017 में टू 2018 से मैं कर रहा हूं ऑलमोस्ट फॉर सिक्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कसिंग द पेपर इज कि अगर आपके अटेम्प्ट आगे भी हैं 2022 में तो जितने आगे अटेम्प्ट अभी होंगे जैसे जनवरी में मे में आप श्योरली जिस दिन आपका एग्जाम एफ का पेपर हुआ है उस दिन ये रिव्यू को देखिएगा आपके लिए ज्यादा जरूरी है जिसने एग्जाम दी उसके लिए कम क्यों आपको सेम डे पता पड़ना चाहिए कि यार क्या पैटर्न है आपके दिमाग में बैठना चाहिए ताकि

ना? और ये मैं साइन कर दिया आपके लिए विथ लव ठीक है भाई सर साइन गड़बड़ लग रही है चलो तो क्वेश्चन <coughs> पेपर uh, का एनालिसिस आपको देखना है बट ये आप देख लीजिए एक बार क्विकली कि ये जो पेपर इस बार आया था इसमें ये छह क्वेश्चंस हैं किसी में दो पार्ट किसी में तीन पार्ट किसी में चार पार्ट आखिरी क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस होती है जिसके कारण आपका पेपर 124 125 मार्क्स तक का चले जाता है आखिरी क्वेश्चन में इनफैक्ट होता है यू विल फाइंड दिस इस तरह से अगर आप देखोगे तो अगर मैं एक सम टोटल लगाऊं एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं तो यू कैन से कि इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में अगर मैं बात करूं सो वी हैड समवेयर रफली अराउंड थर्टीन यहाँ पे अगर मैं इसे पाँच जोड़ लू तो एटीन क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछे यानी अठारह अलग अलग टॉपिक्स चैप्टर्स कॉन्सेप्ट्स इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है और ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो चौदह मार्क पंद्रह मार्क के होते हैं उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं तो देर इज अ गुड वेराइटी विच द इंस्टीट्यूट कैन ईजिल कवर जैसे ही आप लोगों ने बोला की ट्वेंटी ट्वेंटी टू मेरा आपके मन में यह भी सवाल आया होगा की ट्वेंटी ट्वेंटी वन का आपने मॉड्यूल कवर कर लिया है सर वॉर्ड अबाउट द्वेंटी ट्वेंटी टू मॉड्यूल वो अब आएगा तो हम उसे कैसे कवर करेंगे तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दी अमेंडमेंट्स एब्सोल्युटली आपको आपके अटेम्प्ट तक सारे अमेंडमेंट्स दिए जाएंगे एंड यू जस्ट डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट अगेन सो यू विल गेट अमेंडमेंट्स टिल योर अटेम्प्ट और सर कभी एक से ज्यादा लग गया यार तो सुबह सुबह अच्छी बात किया करो ऐसी बात मत किया करो आपको आपके अटेम्प्ट तक अमेंडमेंट्स दिए जाएंगे दो साल की तो हम वैलिडिटी देते हैं कुछ हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के आपके पेनड्राइव प्रोडक्ट्स के ऊपर तो दो साल तक तो आप मान के चलना कि आपको अमेंडमेंट मिलने ही मिलने वाले हैं अमेंडमेंट्स कैसे मिलेंगे मोड क्या होगा नाउ सिंस वी हैव है एप में या एल एम एस में विलेरिंग अमेंडमेंट्स ये दो फॉर्म में होंगे वन विल बी वीडियोज

माइनर अमेंडमेंट है तो यूट्यूब के थ्रू हो सकते हैं अदरवाइज आपको ऐप आप में दिए जाएंगे जो आप अपने इंक्रिप्शन के साथ यूज कर सकते हो आपकी वैलिडिटी सपोज एक साल की और अमेंडमेंट एक साल के बाद आया देन आयासो यू डोंट हैव टू वरी अमेंडमेंट्स की वैलिडिटी इरेस्पेक्टिव ऑफ योर बैच वैलिडिटी आपके पास दो साल तक तो एटलीस्ट रहेगी रहेगी कई बार हम उसके बियॉन्ड भी सपोर्ट करते हैं हालांकि उम्मीद है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी प्लस अमेंडमेंट का मेरा मतलब क्या है तो आई वुड रादर पुट अमेंडमेंट ऑब्लिक चेंजेस इसका मतलब क्या है इसका मतलब सिंपली यह है कि अगर कोई स्टडी मटेरियल में चेंज हो गया प्लस आपके आरटीपी और एमटीपी तो हर अटेम्प्ट में आती है ये सब इंक्लूडिंग ऑल अमेंडमेंट्स इज समथिंग विच विल बी शेयरिंग यू जी हाँ यानी

वीडियोज एंड सॉफ्ट कॉपी के अलावा बोर्ड नोट्स का भी एक्सेस मिलेगा जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो भी आपको वहां पे देखने को और डाउनलोड करने को मिल जाएगा दिस इज़ ऑल अबाउट द अमेंडमेंट एंड चेंजेस इसके अलावा अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आई एम जस्ट गिविंग यू द एड्रेस फॉर इट फास्ट स्टूडेंट केयर एट जी मेल डॉट कॉम इज द कॉमन ई मेल आई डी विच यू कैन यूज 9584510000 double zero, double zero is uh, the basic uh, number which you can get uh, used for your references uh, for any of your queries. If you have any technical issue with this live batch, this uh, number is only for the live batch student. There is a specific number which we will give you in the Telegram channel. एक अलग से टेलीग्राम चैनल अपन ने सिर्फ अपन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो लाइव कर फॉर इशू तो ये इस तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा इसके अलावा लेट मी ऑल्सो क्या हम टेलीग्राम यूज करते हैं तो वन व्हाट्सएप में आपको एक नंबर सेव करना है नाइन टू ट्रिपल जीरो सेवन नाइन ट्रिपल जीरो एंड यू ऑल्सोर्टिकुलर नंबर वॉट्स एप पे नहीं बनाते हैं टेलीग्राम इज वॉट वी यूज बेसिकली फॉर ग्रुप तो टेलीग्राम में वी हैव चैनल एंड वी ऑल्सो है डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन ग्रुप का आपको टाइप नीचे मिलेगा या फिर आप ऊपर चैनल पे क्लिक करोगे तो वहाँ मैसेज जैसा एक आइकन दिखेगा वहाँ क्लिक करोगे तो आपको डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करने का नीचे ऑप्शन दिखेगा आप ज्वाइन कर लीजिए डिस्कशन ग्रुप में आप चैट कर सकते हो चैनल में हम वन वे रखते हैं जिन लोगों को हमारी पूरी अपडेट्स देखना है वो चैनल में लाइन से मिल जाएंगी जिन लोगों को आपस के डिस्कशन कभी डाउट्स आपको बाद में अलग से यारों दोस्तों के साथ सॉल्व करना है देन इन दैट केस यू कैन गो विद द ग्रुप इसके अलावा जो डाउट सॉल्विंग होती है दैट इज समथिंग विच वी डू लाइव इन द क्लास लेकिन अगर आपको कभी लगता है सर क्लास के बाद भी तो डाउट आ सकता है क्योंकि अभी जरूरी नहीं है कि भैया हमारा पूरा ध्यान रहा हो क्यों भाई तुम्हारी अभी क्यों नहीं ध्यान रहा क्या करे सर उम्र ही ऐसी है ध्यान भटक जाता है वो क्लासरूम क्लास में बहुत भटकता था इधर उधर है ना यहाँ लाइव में तो कभी ध्यान भटकेगा ही नहीं तुम्हारा क्या देखोगे तुम मेरे अलावा किसी को देख ही नहीं सकते <laughs> तो डाउट सॉल्विंग के लिए ये भी एक फायदा है लाइव का पता नहीं रह गया मेरी तरफ डाउट सॉल्विंग के लिए नाइन टू ट्रिपल जीरो सेवन नाइन ट्रिपल जीरो पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो आई रेगुलरली रिस्पॉन्ड टू डाउट्स बट दिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस कि आपने अभी डाला और उसके बेसिस पे डाउट सॉल्व हो जाएगा ये सब तरह से आपके डाउट सॉल्व होते रहेंगे आपके अटैम्प तक फायदा आपको आज सच हम कनेक्टेड रहेंगे टेलीग्राम ग्रुप एक हमारा ये समझ लीजिए एक ऑफिशियल ग्रुप है जिसके थ्रू तो आपको हंड्रेड अपडेट मिलेगी हो सकता है ब्रॉडकास्ट में कुछ चीज़ें ना आए कुछ चीजें आए टेलीग्राम ग्रुप में हंड्रेड थिंग्स वुड बी कवर्ड ठीक है आई थिंक इसके साथ ही हमारा पूरा डिस्कशन इनिशियल बैच का कंप्लीट हो जाता है आई एम जस्ट टेकिंग अ मिनट आपके कोई भी सवाल हैं विच आई हैव लेफ्ट अन आंसर्ड सो प्लीज लेट मी नो अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद आर टॉपिक जिसके लिए अब आप हेडिंग दे सकते हो इंट्रोडक्शन टू इंडेज एंड रोड मैप तब तक आप चार्ट में कोई भी आपके सवाल है तो आप प्लीज डाल दीजिए अभी तक जो मैंने बताया है उससे रिलेटेड अदरवाइज we'll और ये इंट्रोडक्शन टू रोड मैप का डिस्कशन पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको रेफरेंस में लिखना होगा कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसको आप एग्जाम में भी इंडियन एस लिख सकते हो रूल्स 2015

सब सब कुछ ठीक ठीक हो तो भी लिख दिया सर सब चल रहा बढ़िया बढ़ने दो दो बढ़ने दो चलने चलिए लेक्चर्स ऑन मोबाइल इनफैक्ट आई होप मोबाइल में स्क्रीन सफिशियंट है आपको इतनी दिख रही है नहीं तो मैं जूम करके रखूंगा बट ये विंडोज अगर आपके पास लैपटॉप हो तो ज्यादा बेहतर बिगर स्क्रीन टू काइंड ऑफ वॉच एट इट नेवरलेस बताइए कोई भी आपके डाउट्स है तो एम आई <coughs> मुझे समझ भी आ जाए थोड़ा सा वेदर आई एम रीचिंग टू यू आर नॉट इनफैक्ट अपन एक क्लास का मॉनिटर भी बना देंगे एंड आई विल गिव अ स्पेशल नंबर टू दैट पर्टिकुलर मॉनिटर जस्ट इन केस कभी आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ मिसिंग है आपको जरूरत है एकदम से मुझे अलर्ट करने की तो यू कैन कॉल ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर जिससे थोड़ा सा कनेक्शन रहेगा चलिए बताएं 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 दोस्तों एनी पर्टिकुलर डाउट्सर हेलो 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 कुछ सब मस्त है चलो निश्चय निश्चित ही सब ठीक चल रहा है चलो दैट्स नाइस एनी डाउट्स एनी क्वेश्चंस यू हैव हैव अदरवाइज़ वी स्पेंड एन आवर ऑन डिस्कसिंग ऑल दीस थिंग्स और अब आई एम श्योर कि अब आप लोग वेट कर रहे हो अपन स्टार्ट कर दे हमारा डिस्कशन आदित्य एवरीथिंग इज फाइन निधि सेज विंडोज में सॉफ्टवेयर इशू आ रहा है रिचा इज एक्साइटेड इनफैक्ट आई एम ऑलसो वेरी एक्साइटेड यू नो फर्स्ट लाइव एट होम बैच इनफैक्ट चेहरे मुझे है ना है नहीं पर दिख रहे हैं क्या नहीं जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ओ वो बैठी रिचा ओ हो हो वो देखो वो बोरा हमारा निश्चय आदित्य अरे आदित्य आ गया है क्या चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है चलिए सोल्यूशन इज एज पर दईसीआई इन द बुक हंड्रेड परसेंट स्टडी मटेरियल के सारे जो क्वेश्चंस लिए हमने उनका सॉल्यूशन एज इट इज़ हमने किया उसमें कोई एडिटिंग नहीं है सॉल्यूशन में एडिटिंग सिर्फ मैंने जो एजुकेशन मटेरियल या क्लैरिफिकेशन बुलेटिन या आईएफआरएस के सवाल या एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो अपन ने बनाई है ओल्ड प्रैक्टिस मैन्यूल से उनके किए हैं क्योंकि उनके कई जगह बहुत एक्सप्लेनेटरी या एज पर ए एस आई थे तो उनको करना है स्टडी मटेरियल के किसी भी क्वेश्चन का आई एमटीपी के किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमने क्लिप भी नहीं किया है हाँ, ये जरूर किया है कुछ जगह आखिरी में मैंने ब्रीफ आंसर अपनी तरफ से दिया है कि आपको क्विकली रिवाइज करना है तो एक लाइन पढ़ के आपको समझ में आ जाए उसका आंसर क्या है मैंने हिंट जरूर आखिरी में दी है बट आंसर कहीं चेंज नहीं किया है चलिए चलिए प्रियांश जय श्री राम बिंदास चलो तो अब इंट्रोडक्शन इंडेज टू रोड मैप शुरू करते हैं इस पर आऊ में उससे पहले मैं आपसे कुछ गपशप करना चाहता हूं तो आइए अपन अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप में लेट मी कम टू टूफर लाइव एट होम ये आपका चार्ट ग्रुप है और ये मेरा ग्रुप है जिसमें मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ और यहाँ पर मैं अब आपके साथ क्या करना चाहूंगा तो लेट मी आस्क यू सम आई रियली वॉन्ट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम यू मेरे कुछ छोटे मोटे सवाल हैं दोस्तों जो इंडेज के ऊपर नहीं है दीज क्वेश्चन आर बेसिकली ऑन सिंपल लॉजिक रिलेटिंग टू अकाउंटिंग आई वॉन्ट टू फर्स्ट लेट यू अप्रीशिएट द फैक्ट कि इंडेस कैसे आए क्या, आए क्या आए क्या सोच कर आए और वो किस उद्देश्य को इनफैक्ट आपकी कौन सी प्रॉब्लम को दूर करते हैं सो ओके वार्म एम सी क्यूज में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप कृपा करके इसके जवाब यहाँ पर दीजिए लेट मी सी पोल के फॉर्मेट में मैं शेयर कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि आप किस तरह के जवाब यहाँ पे देते हो uh, <coughs> सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिफोर वी स्टार्ट विद आउट डिस्कशन रिच लिमिटेड इज अ कंपनी विच हैज परचेज द मशीन फॉर फाइव हंड्रेड लैक्स ये क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है ये आपको अलग से मिलेंगे और ऐसे भी ये वार्म अप क्वेश्चन है एम सी क्यू एफ आर में पूछे नहीं जाते बट मैंने अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए इसे इनकॉर्पोरेट किया है एच लिमिट रिच लिमिटेड परचेज पर मशीन फॉर फाइव हंड्रेड लैक्स अगेंस्ट इमीजिएट पेमेंट तो मशीन अकाउंट को डेबिट कितने से किया जाएगा ऐसा वाहियात सवाल मैंने आपसे पूछा है एकदम आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो हमारी शान के खिलाफ है इतना सिंपल सा सवाल पूछा है एनी वेज आप इसको ट्राई करें बताएं देखते हैंकिंगनेक्टेड इन बिटवीन अगर आपकी एप कभी डिस्कनेक्ट हो गई है आप उसको बाहर चले जाओ जैसे विंडोज का होता है ना बेसिक फंडा बंद करके चालू करते हैं आप वैसे ही बाहर निकल के वापस से अंदर जाके चालू करिए अज्यूमिंग बिकॉज अदर्स आर एबल टू एक्सेस आई एम अज्यूमिंग की इट इज वर्किंग फाइन दिशा चलिए ये वाले क्वेश्चन में हमारे पास वोट्स आ गए हैं इसमें कुछ खास एहस बोलने की बात नहीं है हंड्रेड परसेंट ने पाँच सौ दिया है ये सिर्फ चेक करने के लिए था कि कोई नींद में तो नहीं है है ना हाँ तो समझ में आ गया नहीं है तो अब अपन अगला सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब दीजिए उधार लिमिटेड परचेज द मशीन फॉर फाइव ट्वेंटी खरीदी है लेट जो 500 लाख की खरीदी थी रिच लिमिटेड ने उधार लिमिटेड ने फाइव की खरीदी है आपसे पूछ रहा हूं मैं मशीन अकाउंट कितने से डेबिट होगा प्लीज वोट एंड बाय द टाइम यू गिव दैट पर्टिकुलर वोट लेट मी पोस्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू तो लची कितनों ने क्या किया है पाँच सौ लाख या पाँच सौ पच्चीस लाख ओके तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट सेज मैंने कुछ भी टिक कर दिया मेरा आंसर मत मानना अभी यहाँ पे दे सी इट इज़ फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव लैक्स क्योंकि मशीन हमने उतने में खरीदी है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों उदाल लिमिटेड मेड एन अर्ली पेमेंट टू अवेल कैश डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी फाइव लैक डिस्काउंट रिसीड कहाँ क्रेडिट होगा पिछले क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में 525 लाख की मशीन एक्स में मैंने छः महीने का क्रेडिट लिया था और मैंने जल्दी पेमेंट कर दिया और वो जल्दी पेमेंट करने के चक्कर में मुझे ट्वेंटी फाइव लैक्स का डिस्काउंट मिल गया बताइए ये पर्टिकुलर डिस्काउंट कहाँ क्रेडिट होगा क्या ये डिस्काउंट मशीन अकाउंट से क्रेडिट करेंगे और मशीन की कॉस्ट कम करेंगे या ये इनकम में जाएगा क्योंकि कैश डिस्काउंट है जल्दी पेमेंट करने के कारण मिला है? या ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा या क्रेडिटर में करेंगे लेट मी चेक क्या वोट आए हैं इसमें टेलीग्राम तो चैनल खोलना होगा आइडियल वे ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर बैच वुड भी आप बढ़िया अपनी डेस्क सेटअप करो शानदार सी लगाओ सामने लैपटॉप टीवी शीवी है तो बड़ी स्क्रीन पर देखो बढ़िया ऐसा हालांकि मैं हूं वैसा देखने लायक मतलब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा और साइड में रखो बढ़िया एक मोबाइल स्टैंड उसके ऊपर लगाओ इधर ये मोबाइल उस पे चलाओ टेलीग्राम ग्रुप वहां पे करो चैट बहुत ही जल्द हम इंटीग्रेट कर देंगे आपको एक ही ऐप में पोल चैट लीडर बोर्ड जो मैं कह रहा था टॉप आंसर्स वो सब आपको मिलना शुरू हो जाएगा दैट जस्ट मी सी आई हैव जस्ट गॉट 18 वोट अच्छा एक चीज और बता दूं आप जो आंसर यहाँ पे दे रहे हो ना मुझे नहीं दिख रहा है किसने क्या जवाब दिया है तो शर्माना मत जो आंसर देना है दे दो पता नहीं पड़ेगा किसने क्या दिया है क्या ये मशीन में क्रेडिट होगा या डिस्काउंट रिसीव में कैश डिस्काउंट है मैं यहाँ कर देता हूँ ओ माई गॉड वेरी डांसर्स है दस परसेंट ने बोला है क्रेडिटर इनको एकदम बेस से अपने को उठाना पड़ेगा भाई क्रेडिटर अकाउंट में क्यों क्रेडिट करोगे वो तो और क्रेडिटर को बढ़ा देगा <coughs> मशीन अकाउंट क्यों क्योंकि मैंने एक कैपिटल असेट खरीदी है उस पर डिस्काउंट मिला है तो उसी से कम होना चाहिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्योंकि कैश डिस्काउंट है तो वहां जाना चाहिए कैपिटल रिजर्व क्योंकि एक कैपिटल असेट पे मिला है या सर हम न्यू कोर्स में एफ में आए हैं और फाइनल में आए हैं और शायद पहली बैच कर रहे हो और हमें लग रहा है इसमें कुछ नया होना चाहिए कैपिटल रिजर्व थोड़ा नया लग रहा है इसमें जाना थोड़ा लॉजिकल लग रहा है एनी आई विल कम टू दिस ये सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा इन फैक्ट क्वेश्चन इसके पहले लेट मी जस्ट पुट फोर्थ ऑल द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू चलो ये वाला ट्राई करो जुगाड़ लिमिटेड परचेज मशीन एक्स एट फाइव हंड्रेड लैक्स विद वन मंथ क्रेडिट इट मेड अर्ली फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एट फोर नाइन्टी लैक्स डिस्काउंट रिसीव टेन लाख विल बी क्रेडेड टू सिमिलर क्वेश्चन है बट यहाँ पे उसने क्रेडिट एक महीने का ही लिया था और उसकी प्राइस पांच सौ की पांच सौ पच्चीस नहीं हुई थी पांच सो ही थी और फिर उसने जल्दी पेमेंट कर दिया तो फोर नाइन लैक्स मेंटलमेंट कर दिया दस लाख का डिस्काउंट कहां जाएगा या इफेक्टिवली मशीन मेरी कितने पर रिकॉर्ड होगी फाइनली मेरी मशीन क्या फोर नाइन्टी पर आएगी अगर डिस्काउंट मशीन में क्रेट होगा या पांच सौ पे आएगी लेट मी सी वॉट आर दॉट्स कमिंग इन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्लीज पुड इन योर वॉट य चलो 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 इनफैक्ट uh, uh, आगे भैया हमारी बाज में वी हैव गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बट वोट्स हमारे कम दे रहे हैं क्यों क्योंकि सर नाश्ता पानी चालू हो गया है सब लोग पार्टिसिपेट करें इनफैक्ट हमने लाइव बैच का एक टारगेट रखा था कि वी वॉन्ट वी रियली डोंट वॉन्ट टू मेनी स्टूडेंट्स इन द बैच सो दैट आई कैन बी मोर रेलिवेंट इन टर्म्स ऑफ आंसरिंग द क्वेरीज इन ऑल एंड द बच ओवरऑल कैन ऑल्सो भी वेरी इफेक्टिव सो दैट रिकॉर्डेड बैच भी जो स्टूडेंट्स बाद में देखेंगे दे शुड ऑल्सो नॉट फेस दट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इट इज एफिशेंट फॉर दम इस वेल चलिए तो इसमें ओके okay, कोरम आ गई है अपनी इसमें किसको क्रेडिट करूँ लेट मी पुट इट इन टू डिस्काउंट रिसीव मेजोरिटीज इज दैट बट देन वी हैव कैपिटल रिसीव मशीन अकाउंट आल्सो कमिंग इन टू ओके एंड लेट मी जस्ट आस्क यू कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस ये आ जाए आपके पास ये वाला ट्राई करिए ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट नहीं है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अदरवाइज डेफिनेटली हम बोर्ड नोट्स पे लिखते क्योंकि मैं समझता हूँ आपके पास एक सोर्स होना चाहिए एग्जाम से पहले जिसमें सब चीज हो ऐसा नहीं कि आधे क्वेश्चन वहाँ देखना पड़ रहे हैं आधे यहाँ देखना पड़ रहे हैं आई नो दैट थिंग आई हैव बजटेड दैट थिंग इन माई माइंड एंड बेस्ड ऑन दैट लिमिटेड परचेज मशीन एक्स ऑफ फाइव हंड्रेड लैक्स एट फोर नाइन लैक्स थ्रू सक्सेशन बढ़िया करके लिमिटेड ने बड़ी बड़ी बातें अपने तो बहुत जान पहचान वाले लोग हैं माल तुम्हारा इतना बिकेगा ही मत तुमको एकदम काम हो जाएगा तुम्हारा हर कोई तुम्हारा प्रोडक्ट लेगा एक बार हमें दे दो लोग पूछते हैं हमसे कि भैया हम कौन सा यूज कर रहे हैं और फिर तुम देखो क्या होने वाला है उसने निगोशिएट करके पांच की मशीन चार में खरीद ली सवाल यह है कि मशीन कितने से रिकॉर्ड होगी पांच से और दस लाख का प्रॉफिट बुक होगा जो हमने कमाया है निगोसिएशन से या फोर नाइनटी से लेटमीज ओके मेजॉरिटी से 490 किसी ने 500 प्रेस कर दिया और आखिरी सवाल अभी के लिए लेट्स फॉरवर्ड इट एंड दिस इज वेयर वी आर कूल ले लिमिटेड एक्वायर्ड दे लिमिटेड बहुत बढ़िया क्या नाम है एट अ परचेज कंसीडरेशन ऑफ 525 लाख सो दिस इज बेसिकली एन अमलगमेशन काइंड ऑफ अ क्वेश्चन आप वैसा ही समझिए इसे बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलते हैं इंडियास में जिसे आप अमलगमेशन पहले बोलते थे

490 की आ रही है मैंने खरीदा उस कंपनी को फाइव ट्वेंटी लेकिन उस मशीन की मार्केट वैल्यू पांच सौ लाख है सवाल आपके सामने यह है कि आप मशीन को कितने पे रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट की बात करूं मैं जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कॉस्ट 490 थी क्योंकि हमने उतना ही पेमेंट किया तो 490 होना चाहिए उस लॉजिक से क्या 525 होना चाहिए या फेयर मार्केट वैल्यू पांच सौ लाख है तो उतने पे रिकॉर्ड करेंगे या अल्टीमेटली हमने कंपनी से खरीदा है तो उसकी बुक्स में जो कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट आ रहा है फोर वो आएगा

into businesses, you know, MBA type things, so we want to, we fancy those kind of careers, not career as an accountant, I don't want to be an accounting head of any particular company, I rather would be happy to become a CEO or let's say at least CFO, I would say, you may not want to make a career in accounting, but any career you make, you will be recruited एंड यू विल बी ट्रेजोर्ड बिकॉज ऑफ योर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग आपके हर करियर में आपकी मदद करने वाली है ये आप इसलिए क्योंकि एज ए चार्टेड अकाउंटेंट कोई भी कंपनी आपको रिक्रूट कर रही है तो अवार्ड फ्रॉम योर एप्टीट्यूड दे आर रिक्रूटिंग यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग अपने आप में इतना आसान प्लेन टॉपिक नहीं है

<laughs> ये कैसे पॉसिबल है सर देखो आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूं एक मशीन 500 लाख की मैं 500 पे खरीदता हूं 500 पे रिकॉर्ड हो जाती है मैं बोलता हूं यार मुझे उधार देते छह महीने का वो बोलता है यार कैश प्राइस है पांच उधार चाहिए तो फाइव की मैंने बोला ठीक है अब क्या करूं मैं तो पैसे है नहीं है हाँ अगर मैं बैंक से लोन लेता और बैंक को 525 ट्वेंटी फाइव पे करता तो 25 फाइव लाख इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाता पर मैंने सामने वाले से ही छः महीने का क्रेडिट ले लिया और प्राइस उसने बढ़ा दी टेक्निकली स्पीकिंग मशीन तो 500 की है 25 लाख आपका इंटरेस्ट है जो आपको छः महीने में खर्चा बुक करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि असेट की कॉस्ट फाइव है तो उसी पर रिकॉर्ड होगी और मैंने क्या किया दस दिन बाद ही उसे पेमेंट कर दिया और पच्चीस लाख का कैश डिस्काउंट ले लिया अब आप देखिए प्रैक्टिकली आपने मशीन खरीद कर इनकम बुक कर दी है तो अगर कंपनी के प्रॉफिट माल बेच के नहीं हो रहे तो खरीद के कर आ रही है प्रॉफिट कैसे उधारी पे खरीदा थोड़ी प्राइस बढ़ी हुई थी जल्दी पैसा दे दिया कैश डिस्काउंट के नाम से इनकम आ गई भले ही बुक्स में वो सेल्स के नाम की नहीं डिस्काउंट के नाम की इनकम दिखेगी बट व्हाट मैटर्स इज आपकी बॉटम लाइन प्रॉफिट तो बढ़ गए ये तो बहुत आसान तरीका हो सकता है प्रॉफिट्स को मैनुपुलेट करने का और ये बहुत ही बेसिक सा एक तरीका एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया ऐसे ढेरों सामने आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखू तो मैंने कहा कि अगर मैंने यहां पे मशीन को एक नॉर्मल एक महीने पे क्रेडिट पे खरीदा होता और उसके लिए प्राइस उसने बड़ा ही नहीं 500 ही रखी और फिर मैंने बाद में पेमेंट जल्दी किया तो 10 लाख का डिस्काउंट मिल गया यहां दस लाख का डिस्काउंट शायद ये रियल में डिस्काउंट है क्योंकि पिछले केस में तो हमने प्राइस बढ़ा के फिर डिस्काउंट रिसीव किया है तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप फेक अकाउंटिंग या मैनुपलेन uh, कर रहे हो यहां क्या करें यहां तो मुझे रियल में डिस्काउंट मिला है। तो ये पी एंड एल में जाना चाहिए वापस से लॉजिक वही है कैपिटल असेट पे आप डिस्काउंट कमा रहे हो और वो पी ऑर एल में जा रहा है हम सब जानते हैं डिस्काउंट गिवन टू डेटर और रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर गोस टू पी ऑर एल बट माई क्वेश्चन टू यू इज डिस्काउंट ऑन

चार सौ नब्बे में मिल गई तो आपने कहा फोर नाइनटी पर रिकॉर्ड होेंगे हमारी कॉस्ट वही है सपोज मैं कहता कि मैंने पाँच सौ दस में खरीदी क्यों क्योंकि आई वॉज बेसिकली वॉट आई वॉज इन अ हरी तो मैं गया मुझे ज़्यादा देखा नहीं ज्यादा में मिल रही थी डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट जो लोगों को मिल रहा था मैंने वो भी नहीं मांगा और फाइव हंड्रेड की फाइव ट्वेंटी में खरीद ली क्या मैं फाइव ट्वेंटी पर रिकॉर्ड करूंगा हाँ सर कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि इन्हें को इनिशियली कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना चाहिए तो 520 अगर आपने पे कर दिया 500 में जो अदरवाइज लोग खरीद रहे तो आपको 520 पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो फिर उस लॉजिक से मेरा आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूं मैंने कम नहीं खरीदी है जिसमें मैंने कॉस्ट 525 फाइव करी असेट की वैल्यू है पांच और बुक वैल्यू है चार सौ नब्बे में कितने

यानी मेरे पास तरीके हो सकते हैं चीजों को मैनुपलेट करने के लिए अगर मैं चाहता हूं कि मेरी असेट ज्यादा पे वैल्यू हो या कम पर वैल्यू हो आई कुड रीअरेंज माई डिसीजन लाइक दैट एम ट्राइंग टू नॉट गिव यू एन आंसर टू दीज थिंग्स बिकॉज इनके जवाब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो होते थे वो जवाब अपने आप में प्रॉफिट मैनुपुलेट करने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देते थे इन डेज में जब आप आओगे तो यूल फाइंड कि इन तरह के जो लूपहोल्स हैं इन्हें प्लग किया गया है

बट देन उन सारे को करके, पर उसे किया। आप पढ़ोगे और आप उसे लॉजिकली इंटरप्रेट करके समझोगे कि क्या प्रॉब्लम थी क्यों ये लॉजिक आया क्यों ये कॉन्सेप्ट आया एक्चुअली काइंड ऑफ अप्रिशिएटेड मच मच बेटर आपको और ज्यादा मजा आएगा और आपकी कनेक्टिविटी दिमाग में वो लंबे समय तक रहेगी सो विद दिस पर्टिकुलर बैकग्राउंड आई एम नॉट गिविंग यू दी आंसर्स टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जब अपन इंडेस सोलह पीपी प्रॉपर्टी प्लांट प्रौर्ट, इक्विपमेंट पड़ेंगे उससे एक इंडेस में आपको इसके सबके जवाब मिल जाएंगे बट वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज की दर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप हर पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे अपनी कंपनी के प्रोफिट्स या फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट कर सकते हो और कैसे अपन उसको अपने फेवर में ले सकते हो जैसे किस प्लानर टैक्स को अपने फेवर में प्लान कर सकता है वैसी अकाउंटिंग में क्या पॉसिबिलिटीज है क्या सही है क्या गलत है इस उद्देश्य से भी आपको चीजें पढ़ना है इनफैक्ट आप ध्यान रखना दोस्तों जो अपनी की बैच है यू आर फ्री टू आस्क एनी रियल लाइफ क्वेश्चन आप आर्टिकल शिप कर रहे हो वहां पर आपने कोई केस देखा है आप इनफैक्ट गुजर ही रहे थे और आपके दिमाग में कोई केस आ गया एंड दिस इज क्वाइट पॉसिबल आपके मन में कहीं पर भी कुछ भी केस आ सकता है आपको कभी भी सोचने में पड़ सकता है और उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी आप मूवी देखने गए आपने देखो ओ, इस मूवी में हमने क्या किया अक्षय कुमार को पचास करोड़ रुपए पे किए ये पचास करोड़ रुपए दो साल पहले पे किए गए थे मूवी दो साल बाद रिलीज हुई है ये पचास करोड़ की अकाउंटिंग प्रोड्यूसर ने कैसे करी होगी क्या इसे वर्क इन प्रोग्रेस में डाला होगा या एक्सपेंस बुक किया होगा या असेट दिखाया होगा इंटालजिबल अट दिखाएंगे अक्षय कुमार को अपनी बुक्स में क्या ये अलाउड होगा आप सोच सकते हो ऐसा आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो आपको सामने क्रॉकरी दिख रही है आपके मन में कभी सवाल आ गया यार बता मेरे दोस्त अब तो शुरू हो गया जाना कि टेक अवे या डिलीवरी एट होम ही चल रही है तो आप पूछ सकते हो कि मेरे दोस्त बताए क्रॉकरी क्या है लूज टूल्स या एक्सपेंस जिस रेस्टोरेंट ने यह क्रॉकरी खरीदी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्पोजेबल क्रॉकरीज डेफिनेटली वो एक्सपेंस है बट आई एम टॉकिंग अबाउट ताज में आप गए और वहां पे सिल्वर यूटेंसिल्स हैं आप इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं आपके मन में ये आना चाहिए आप टाइटन के शोरूम में उसके लिए घड़ी लेने के लिए गए वैलेंटाइन आने वाला है उसके लिए अभी से पैसे बचाने हमने शुरू कर दिए घड़ी लेने के लिए गए तो वहां पे ऑफर चल रहा था वैलेंटाइन का 20 परसेंट डिस्काउंट एक्सचेंज ऑफर अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो वैलेंटाइन को नहीं रहे घड़ी को तो आप पुरानी घड़ी दीजिए और नई घड़ी पे बीस डिस्काउंट लीजिए पाँच की घड़ी चार में मिल गई है टाइटन इसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा चार हजार को सेल बुक करेगा या पांच हजार को सेल बुक करके एक हजार डिस्काउंट दिखाएगा जो पुरानी घड़ी उसको मिल गई उसकी अकाउंटिंग वो कैसे करेगा आपके मन में ये सवाल आना चाहिए जब आप एफ आर पढ़ रहे हो दोस्तों आपको हर जगह आप दोस्तों से बात ही नहीं करोगे मूवी कितनी बढ़िया है आप बात ही नहीं करोगे खाना कितना बढ़िया है आप बोलोगे नहीं घड़ी कितनी बढ़िया है आप सोचोगे हर जगह इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी अगले सौ दिन आपने बस दिमाग में यही सोचना है और सारे सवाल पूछना आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दिस क्वेश्चन हालांकि वो एग्जाम में नहीं आएंगे शायद हो सकता है आ भी जाए इस तरह के एग्जाम में सवाल पूछे गए दोस्तों एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था पचास लाख की कंपनी ने पेंटिंग खरीदी है और बस डायरेक्टर के केबिन में लगा दिए बताओ क्या ये है या इसे एक्सपेंस बुक किया जाएगा क्या शानदार सवाल है क्योंकि ये कमा के तो कुछ दे नहीं रही है बट है बड़ी महंगी तो महंगी है तो क्या सेट मान ले तो रियल लाइफ के क्वेश्चन भी कभी आ सकते हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू यू इज

ब्रेक का समय हमारा सम्राउंड नाइनिश रखेंगे और ऐसे भी सर हमें कोई दिक्कत नहीं लाइव है हमारी जब इच्छा आती है आपको जब लगे तब आप ले लेना <laughs> ऐसा ही है न? चलो तो आईफ आर एस की बात करते हैं दोस्तों एक बेसिक सी प्रॉब्लम समझना क्या थी <laughs> आज आप एक इन्वेस्टर को बोलते हो कि यार तुझे पैसे लगाने हैं तो, तो किस कंट्री में पैसे लगाना प्रेफर करेगा ऑब्वियसली चाइना में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है इंडिया में भी हो रही है लेट्स से एक कंपनी है जिसमें एक एक सेक्टर है जैसे आयरन एंड स्टील सेक्टर है जहां चाइनीज कंपनी इंडियन कंपनी सिमिलर पेस पे ग्रो कर रही है सिमिलर फाइनेंशियल्स है आप किस में पैसे लगाओगे आपको एक फैक्ट्री सेटअप करना है और आप दो मिनट के लिए अज्यूम कर लो कि दो कंट्रीज में लेबर एक जैसी है जो कि है नहीं चाइना में बारह घंटे लेबर काम करती है यहां पे सिर्फ आर्टिकल उतनी देर काम करता है तो आप कहाँ प्रेफर करोगे इनफैक्ट ये छोड़िए मैं इंडिया की बात करता हूँ आपको इंडिया में से फॉर एग्जाम्पल यूट टू सेटअप योर बिजनेस और अ फैक्ट्री विच मेट्रो वुड यू प्रेफर वुड यू प्रेफर डेली बॉम्बे कैलकाटा और चेन्नई आई वुड से चेन्नई पॉसिबली मे बी लेस माई रिग्रेट्स टू एनी फ्रॉम चेन्नई और साउथ अ लेस प्रेफरेबल ऑप्शन जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर बिकॉज तमिल तेरी आंदे हमें तमिल आती नहीं है वहां हमें प्रॉब्लम हो सकती है तो हम प्रेफर करेंगे कि यार बॉम्बे दिल्ली टाइप की कोई जगह ले ले बिकॉज वहां की लैंग्वेज से कन्वर्जेंट है तो लेबर से डील करना हमारे लिए आसान होगा यानी एक लैंग्वेज बैरियर कई बार हो सकता है आपकी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट कर दे एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग अगर दो सिमिलर कंपनी अलग अलग कंट्रीज में एक इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करने आएगा तो उसकी लैंग्वेज उस कंपनी की उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लैंग्वेज उसे देखना है उसे समझ में आना चाहिए अगर इंडिया बोलती है भैया हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं जो कि हमारे खुद के बनाए हुए तो होगा क्या उन्हें क्या लगेगा और पता नहीं इनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंजर्वेटिज्म किस एक्सटेंट तक लगती है भाई ऐसा तो नहीं है ये प्रॉफिट की ओवर बुकिंग अलाउ करते थे रिवेलुएशन पे प्रॉफिट पी में बुक कर देते हमें तो पता नहीं है भैया अलाउड है या नहीं है? अब हम कैसे पता करें तो या तो हम इंडेस पढ़े तो सुबह सात बजे लाइव बैच ज्वाइन करें या फास्ट ट्रैक बैच लें अब वो तो हम करेंगे नहीं क्यों क्योंकि अब इतने पैसे आ गए अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है

तो दोस्तों आई एफ आर इज एक्चुअली ऑल दिस ऑल स्टार्टेड बेसिकली इन 1973 कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है नॉलेज के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है बट मैं ये बेस देना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आएगा तो आप चीज़ों को अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे 1973 में दे वॉज अ कमिटी विच वॉज फॉर्म जिसको नाम दिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी आई ए एस सी एंड दे स्टार्टेड प्रिस्क्राइबिंग आई ए एस विच इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये इन्होंने प्रिस्क्राइब करना शुरू किया ठीक है इनिशियली ये यूके में स्टार्ट हुई थी यूरोपियन कंट्रीज में इसमें पार्टिसिपेट किया 1973 यानी आई एम टॉकिंग अबाउट यू कैन अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक 50 इयर्स फ्रॉम नाउ तो ऑब्वियसली नॉट वाज लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ अ चैलेंज हम तो तब आजाद ही हुए थे कहां मल्टीनेशनल के बारे में सोचेंगे और ऐसा बहुत सारी कंट्रीज के साथ था तो फाइनली इन 2001 कई सारी कंट्रीज को सिमिलर प्रॉब्लम इंक्लूडिंग इंडिया को फेस होना शुरू हो गई कि वी शुड हैव वन स्टैंडर्ड जो हम फॉलो करें जो हमारी कंपनी अगर बाहर जाके लिस्ट कर रही है तो उन्हें भी हर कंट्री में अलग अलग अकाउंटिंग ना करना पड़े और इंडिया में भी सेम अकाउंटिंग यूज़ हो जो वो दूसरी जगह यूज कर रहे और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इजीली यहाँ पर आ सके तो इस उद्देश्य से इस पर्टिकुलर कमिटी आई को आई में रीफ्रेम कर दिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और अप्रैल फर्स्ट टू में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया गया एंड दे स्टार्टेड इशूइंग

फाइनलीउजेंड फि इंडिया में हमने कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन आने के बाद यह पॉसिबल हो पाया टू थाउजेंड फिफ्टीन में हमने इंड एस इंडिया में अप्लाई कर दिया नाउ वट आर दीज पर्टिकुलर इंडियज इंडियज बेसिकली आर यू कैन से सो वी बेसिकली वेंट विद दिन ऑफ क्या आप भारत में वो पिज्जा खाते हो जैसा पिज्जा इटली वहां मिलता है नहीं सर सवाल ही नहीं उठता को तो अपना अलग चाहिए एकदम पनीर टिका पिज्जाट है।, है आपको लगता है इटली में पनीर टिका पिज्जा होता होगा अभी तो सर डोमिनोज ने जीरावन पिज्जा लॉन्च कर दिया आग लगा रहा है ऐसा शानदार पिज्जा बनाया जीरावन पिज्जा आप इडली में बना के देखो हालांकि वहां पे भी भारतीय होंगे हर जगह होते हैं तो वो चला देंगे उसको तो हमने डिसाइड किया भैया हमें इडली का ऑथेंटिक इटालियन पिज्जा का टेस्ट यहाँ नहीं चाहिए हमें टेस्ट चाहिए अपना वाला एकदम चरखा टेस्टी वहां का ब्लंट टेस्ट कॉन्टिनेंटल जिसे कहते हैं हमें वो काम नहीं आएगा अगर आपको पिज्जा बेचना है इटालियन डिश भी तो ऑथेंटिक साउथ इंडिया फिल्टर कैफे तब वही चलती थी बड़ी तो आप समझिए कि अगर आपको इंडिया में कोई चीज एक्सेप्ट करानी है तो यू नीड टू पुट इट एज पर फ्लेवर विच इज रिक्वॉर्ड क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकल लॉज भी कई जगह अकाउंटिंग गवर्न करते हैं आज भी आईएफआरएस आईएफआरएस के अनलाइक में वी वी डू नॉट हैव वन फाइनेंशियल सॉरी डू नॉट हैव अ स्टैंडर्ड व्हिच स्पेसिफाइज द फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो आज भी शेड्यूल थ्री प्रिस्क्राइब करता है जबकि आईएफआरएस में अगर आप देखोगे तो आई एस वन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन में फॉर्मेट दिया गया तो हमारे यहाँ पे लॉज भी इन्वॉल्व होते हैं और हम कभी भी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं बना सकते जो बोला कि लॉ और स्टैंडर्ड में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो स्टैंडर्ड नहीं लॉ प्रिवेल करेगा ऐसा होता है हम ऐसा नहीं बोल सकते स्टैंडर्ड प्रल करेगा लॉ के ऊपर जबकि आई बोलता है कि लोकल लॉज और आई में अगर कहीं मिसमैच हुआ तो आइडियली आपको क्या फॉलो करना चाहिए आई तभी तो कॉमन अकाउंटिंग अक्रॉस द ग्लोब हो पाएगी हमने इंडिया में बोला यार हम एज इट इज इसे अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी अपनी खुद की इंडिया की कुछ लिमिटेशन है जैसे कि फेयर वैल्यूएशन आई एफ रिकमेंड करता है अलग अलग जगह के कि आप चीजों को फेयर वैल्यू पे मेजर करें इनफैक्ट जो मैंने अभी आपसे सवाल पूछे थे दे वर बेसिकली क्वेश्चंस रिलेटिंग टू फेयर वैल्यूज और आई में बहुत बड़ा डिस्कशन है फेयर वैल्यू पे इंडेस में भी है। अब फेयर वैल्यू में जब भी आप कोई चीज को, को मेजर करते हो तो देर इज ऑलवेज अ रिस्क की आप एक मेनुपुलशन कर लो जैसे मैं बोलता हूं मैंने फाइव हंड्रेड की एसेट फोर नाइन पे खरीदी तो मैं फोर नाइन पे रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट है ये मैनुपुलेटेड नहीं होगी क्योंकि इतना पैसा मैंने दिया पर अगर मैं बोल दूं नहीं सबको फेयर मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करो तो मैं क्या बोलूंगा इसकी मार्केट वैल्यू 500 नहीं 500 एंड 5 है प्रूव करने में क्या मुश्किल आएगी हो सकता है और फिर मैं क्या करूंगा प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दूंगा तो हमने बोला यार इंडिया में हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा चीजों को तो हमने कहा कि हम एज इट इज आई फर एस को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे हम हमारे स्टैंडर्ड बनाएंगे जो आई एफ आर एस बेस्ड होंगे लेकिन कुछ कुछ जगह वहां पर डिफरेंस होंगे तो वी कन्वर्स विद एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वुड रादर पुट इट लाइक दिस इज दैट इंडिया इज नॉट इक्वल टू आई एफ आर एस एंड वाई इज इट नॉट इक्वल टू आई एफ आर एस बिकॉज ऑफ टू थिंग्स वन विच इज नोन एज Carvins and other, which is known as carve outs. Carvins basically are differences, which basically are in the nature of restriction of options as given in IFRS, or they are in the nature of terminology changes. But carve outs are basically some fundamental differences. इसका मतलब क्या है कार्विन कैसा है ऑप्शन को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया मतलब समझ में आया जैसे आई एफ आर एस सपोज फॉर एग्जाम्पल बोलता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए आप फीफो वेटेड एवरेज लीफो कुछ भी यूज कर लो पर हम बोलते नहीं फीफो या वेटेड एवरेज में से एक चूज करना है तो क्या आपने आई एफ आर एस की बात नहीं मानी ऐसा हुआ क्या नहीं ऐसा नहीं आपको समझ में तो सपोज फॉर एग्जाम्पल वो बोल रही है कि देख वैलेंटाइन पे इस बार तू मुझे गिफ्ट में या तो कहीं घुमाने ले जाना या डायमंड रिंग दे देना इंडिया में हमने बोला कि भैया अभी घुमाना अलाउड ही नहीं है डायमंड रिंग अलाउड है तो क्या मैं उसके अगेंस्ट जा रहा हूं नहीं नहीं आया समझ में आएगा भी नहीं अपन सी एस स्टूडेंट ये प्यार मोहब्बत अपने लिए तो रोमांटिकली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपन वट आई एम टू से इज सेन यू हे मल्टीपल ऑप्शन वी आर जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग एंड अलाउंग फ्यू ऑफ द ऑप्शन वेरियस ऑप्शन गिवन इन दस जैसे आई बोलता है अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप उसे चाहो तो कॉस्ट पे मेजर कर सकते हो ईयर एंड पे या फेयर वैल्यू पे भी कर सकते हो इंडिया में हमने बोला हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे ही मेजर करेंगे ईयर एंड पर भी फेयर वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे तो क्या मैंने आएफ की बात नहीं मानी ऐसा है क्या नहीं आपको फादर ने बोला भाई सी या सी कुछ भी कर ले अब अगर आप सी कर रहे हो उसमें से तो आप उसकी बात नहीं मान रहे हो ऐसा नहीं है तो ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने इंडिया में कुछ ऑप्शंस ऑप्शंस क्योंकि आईएफआरएस के हमें लगा यहां पे रेलेवेंट नहीं होंगे या उससे मैनिपुलेशन हो सकता है तो इसे क्या कहते हैं दीज आर कार्विन कार्विन का मतलब क्या है हम आईएफआरएस के दायरे के अंदर ही है हमने दायरा छोड़ा नहीं कई जगह टर्मिनोलॉजी चेंजेस बोलता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ये क्या है बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट हमारे यहाँ का नाम है वहां पे वो है आई आर एस बोलता है इस तरह के चेंजेस परमिटेड है अपनी अपनी कंट्री में आप अपने अपने तरह से नाम चेंज कर सकते हो प्रोवाइडेड दे शुड रिप्रेजेंट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इसे भी माना जाता आई फर एस गुस्सा नहीं हो रहा है पर आप आई आर एस की बात जब नहीं मान रहे हो उसके अगेंस्ट जा रहे हो दैट इज ए कार्वाउट कार्वाउट का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है जैसे मैंने अभी बताया आई आर एस बोलता है आई आर एस विल प्रिवेल लॉ जबकि हमारा इंडेस क्या बोलता है जस्ट अपोजिट लॉ विल प्रिवेल ओवर इंडे ऑब्वियस बात है फंडामेंटल डिफरेंस मिला जुला के अगर आप देखोगे तो वी हैउट विचार देख कार्ब ऑल एंड ऑल घुमा फिरा के आप यू समझ लीजिए कि इंडिया आर वेरी मच लाइक आई फारे वी हैव मॉडिफाइड आई इट इन इंडिया अ कंट्री लाइक पाकिस्तान आई फार क्या बात कर रहे हो सर वो एडवांस है हाँ, पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कीमत है तुमसे क्योंकि वो आई आर एस पड़ता है आप इंडेस पढ़ते हो थोड़ा तो डिफरेंस है तो सर ये ऐसा क्यों क्यों क्योंकि अपने यहाँ पर बहुत बड़े लोग बैठे हैं जो फुर्सत में जो क्या कर सकते हैं कमेटी बना सकते हैं बोर्ड बना सकते हैं आईएफआरएस बना सकते हैं पाकिस्तान में तो चार्टेड अकाउंटेंट ही नहीं होगी वो पूरी एक अलग से बोर्ड बनाएंगे और खुद के स्टैंडर्ड बनाएंगे उन्होंने बोला कुछ नहीं करना अपन तो आईएफआरएस लो उर्दू में ट्रांसलेट करो और डाल दो ऑल इन ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वहां आईएफआरएस यूज करते हैं दे हैव अ डिफरेंट रीजन फॉर इट बट हमारे यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कराने में आप समझो दो हजार सात से लेकर चौदह तक प्रॉब्लम आती रही इंप्लीमेंट नहीं करा पाया आईएफआरएस को एज इट इज बेसिस पे तो हमने ये अप्रोच फॉलो कर तो सर आज भी हमारी कंपनी को इंडिया में कुछ फॉलो करना है बाहर कुछ करना है पर आप देखो ना डिफरेंस कितना कम है अब आप इंडिया में जो अकाउंटिंग कर रहे हो और आपकी कोई फॉरन सब्सिडरी है तो वहां की अकाउंटिंग अब वहां की अकाउंटिंग को आपको इंडियन कंपनी के साथ कंसोलिडेट करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगी आपको सिर्फ कार्वाउट के एडजस्टमेंट करने हैं कार्विंग के तो करना भी नहीं है क्यों बिकॉज वो आप आई के दायरे में ही काम कर रहे हैं तो इंडिया में हमने अप्रोच जो फॉलो करी है दैट इज कन्वर्जेंस टू आई एफ आर एस वी डू नॉट फॉलो आई एफ आर एस एज इट इज इन फैक्ट वी हैव मेड आर ओन पनीर टिक्का जीरावन पिज्जा डोमिनोज इंडिया जब आया था इनिशियली उसने बोला हम ऑथेंटिक पिज्जा देंगे सारी दुकानें बंद करके उसको ओ, oh, वापस घर बैठना पड़ा फिर उनको लोगों ने समझाया भैया भारतीयों को पीजी तुमको खिलाना है पिज्जा खिलाना है तो इंडियन पिज्जा खिलाना पड़ेगा

और वन जीरो वन टू वन वन सिक्स ये करस्पॉन्ड करते हैं आई एफ आर एस वन टू सिक्सटी और आई ए एस वन टू फोर्टी वन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देती थी 2001 तक जब वो बोर्ड में कन्वर्ट हो गई तो उसने अपना नाम बोला कि हम सिर्फ अकाउंटिंग रिपोर्टिंग भी समझा रहे हैं तो उसने अपना नाम कर दिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड किसका का स्टैंडर्ड का तो जो पुराने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो विड्रॉ नहीं किए गए वो बोला वो लागू रहेंगे नए मुद्दों पर हम आई एफ आर इशू करेंगे और पुराने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हमें लगेगा पुराने हो चुके हैं तो हम उन्हें रिप्लेस कर देंगे विद आई तो so, 1 टू 41 सारे के सारे आज की तारीख में स्टैंडर्ड है ही नहीं इंडेस और आई एस वन है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी थ्री फोर फाइव सिक्स ये सब डिलीट कर दिए गए और इनके डिलीट करने के बाद इनसे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड थे वो अब आई के नाम से पब्लिश होंगे फिर सीधे इंडेस सेवन या आई एस है कैश प्लस स्टेटमेंट इंडियास का नंबर और INDAS का नंबर मैच करता है एक्सेप्ट आई एफ में एस के सीरीज में आते हैं IFRS आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो सिर्फ सोलह ही नहीं इंश्योरेंस कॉन्ट्रेक्ट जो इंडिया ने अभी अडॉप्ट नहीं किया है क्यों, क्योंकि ऐसे भी वो मैंडेटरी होने वाला है दो हजार बाईस तेईस से और दैट इज वाई इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर अभी इंडिया नहीं लगते वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही फॉलो बैंक्स फॉलो अकाउंटिंग दैट पार्ट ट्राइंग टू टेल यू इज आई या इंड आई का इंडिया में जो वर्जन होगा उसका नाम अगर आई है तो वन टू यानी वन की या वन या टेन की सीरीज में होगा आई है तो हंड्रेड की सीरीज में होगा हमारे नंबर्स मैच करेंगे हमारा कंटेंट मैच करेगा एक्सेप्ट फॉर द कारविल एंड लॉजिक पे आपके स्टैंडर्ड्स हैं यानी आज की तारीख में भी आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसी चीज सुनने को देखने को मिलेगी वी जस्ट डोंट हैव आईएफआरएस आप ये कह सकते हो आईएएस प्लस आईएफआरएस को कलेक्टिवली कॉमन सेंस में आईएफआरएस या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है तो आज की तारीख में दोनों लागू होते हैं हमारे इंडिया में हमने एक ही नाम फॉलो करना है विच इज है आ, ये आपको एक बैकग्राउंड दे देता है कि इंडिया हमारे यहाँ पे क्या नंबरिंग है आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो वी है अपू वन वन सिक्स स्टैंडर्ड्स इसके आगे का नाथ पर अभी है ना ही आज सच कोई प्रपोज्ड है एक्सपोजर ड्राफ्ट या प्रिपरेशन स्टेज पे डेफिनेटली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का स्टैंडर्ड है जो आपके कोर्स में दो हजार में एफ में लागू होगा कब इंडिया में आएगा आने की उम्मीद नहीं है आप उम्मीद बस कर सकते हो कि जो अभी स्टैंडर्ड है उसमें अमेंडमेंट्स आ सकते हैं अमेंडमेंट्स के लिए क्या होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड के अमेंडमेंट्स के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की कमेटी है जो एक एनुअल इंप्रूवमेंट करती है और देखती है कि कहाँ इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आ रही है उससे कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है इसके अलावा एस और आई होता है ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन कमेटी है एस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को करती है और आई एफ को इंटरप्रेट करती है ये मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया क्षमा करें जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इसका आपके लिए रेलिवेंस नहीं है ज्ञान की बात है बस कमेटी क्या करती है कहीं कोई इंटरप्रिटेशन इशू आता है तो क्लरिफिकेशन देती है और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एनुअल इंप्रूवमेंट साइकिल में प्रोजेक्ट्स लेती है अमेंडमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं तो बोलती है कि भैया इंडस्ट्री से पूछो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उनमें से आइडेंटिफाई करो जेन्यून प्रॉब्लम क्या है उसे एज अ प्रोजेक्ट लो और समझो क्या एफ आर एस को अमेंड करने की या आई एस को अमेंड करने की जरूरत है और फिर एनुअल इंप्रूवमेंट साइकिल के अंतर्गत वो अमेंडमेंट देती है जिसको फिर इंडिया बाद में फॉलो करती है तो अगर यूँ समझ लीजिए कि किसी चीज़ को अगर अमेंड किया है किसी स्टैंडर्ड के किसी पोर्शन को तो इंडिया उसे फॉलो करके में भी छह महीने साल भर बाद उसके क्या करेगी इंडिया में अडॉप्ट करेगी इसलिए आप भी अब देखोगे तो इंडिया में भी साल में एक बार अमेंडमेंट आते हैं इंडियाज अमेंडमेंट एक्ट इंडियाज अ... <coughs> सॉरी कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2019 में एक बार आया था 2020 में एक बार आया 19 में मार्च 2019 में आया था 20 में 24 जुलाई 2020 को आया ये जो एनुअल इंप्रूवमेंट आई के होते हैं उसके करिस्पॉन्डिंग यहाँ पर होते हैं तो अगर आपको प्रिडिक्ट करना है कि आने वाले समय में क्या अमेंडमेंट हो सकते हैं तो आपके पास दो तरीके पहला तरीका आप आई की साइट पर चले जाओ और देख लो कि वहां पे क्या क्या रिसेंट अमेंडमेंट्स आए वही इंडिया में आने वाले एक आध साल में आने वाले हैं या दूसरा आप अपना फास्ट एजुकेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इन ट्यून रहिए और आपको आपके सार्थक सर बताते रहेंगे कब से अमेंडमेंट आया हाँ कभी कोई आपका दोस्त डरा दे क्यों कर रहा अभी बैच हूं खूब सारे अमेंडमेंट आने वाले अगर कोई ऐसा बोल दे तो आप बोलना हाँ हाँ बहुत सारे अमेंडमेंट आने वाले तू काम कर यही छोड़ दे क्यों क्योंकि सिंपल सी बात है आप जाके खुद देख सकते हो कितने अमेंडमेंट है मैंने आपको बता दिया कोई नया स्टैंडर्ड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा एक्सपेक्टेड नहीं है उसे भी दो से तीन साल लगेंगे आता है, है, है।, है? है, है संख्या अपने देखना पड़ेगी बट यस नंबरिंग में आई एस वन टू फोर्टी ही है और आई एफ आर एस वन टू सेवनटीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का इसके बाद के भी दो प्रपोज है अभी लागू आज की तारीख में सोलह तक के आई ही होते हैं

IFRS, IAS, nor are you required to study आर or रिक्वायर्ड आपके कोर्स में कार्बन कार्बोर्ड भी नहीं है और आईफ आर एस आई एस भी नहीं है ये सब जी का जो आपका पेपर है उसमें अगर आप इलेक्टिव में उसे चूज करोगे करना चाहिए क्या उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे पर इस बार नवम्बर 19 की अगर मैं बात करूं तो सबसे सिंपल पेपर इकोनॉमिक लॉस का और जी का आया रिस्क मैनेजमेंट कई स्टूडेंट ने लिया हालत खराब कर दी ऐसा पेपर था पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन कई स्टूडेंट लेते थे उनकी हालत वहां खराब हो गई थी ऐसा पेपर आया था इंटरनेशनल टैक्स टैक्स का एक पेपर ही मेरे पे भारी है डायरेक्ट टैक्स का मैं दूसरा कभी जीवन में ना लूंगा हमेशा रहता है, अगर आपको है, तो है और अगर आप एफ अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप एफ ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है जीएफआरएस में क्वेश्चन आपको जीएफआरएस के मिलते ही नहीं है सारे इंडिया के क्वेश्चन मिलते हैं इनफैक्ट अच्छे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे इस ट्वेंटी फाइव मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं एडिबल स्टैंडर्ड्स एक साथ आपको अप्लाई करना पड़ता है ये जो अपना मटेरियल है ना वही आपको आईएफआरएस में एज इट इज काम में आ जाएगा अभी वो मुद्दा नहीं है मुद्दा बताने का ये कार्विन कारवाउट और आईएफआरएस आईएएस का कोई डिस्कशन आपके सिलेबस में एफआर में कवर्ड नहीं है जो भी है वो सब जीएफआरएस में है जीएफआरएस में भी आपको पढ़ना इंडेस ही है इंडेस ये और कंपैरिजन पढ़ना है यानी कार्विन कारवाउट्स विद आईएफआरएस और यूएस गैप हालांकि यूएस गैप के ऊपर बेस कभी सवाल पूछा नहीं है चलिए अभिषेक पूछ रहा है ब्रेक की रखी है क्या ठीक है तो वी कैन टेक अ ब्रेक नो प्रॉब्लम्स विद दिस सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डिस्कस्ड अ बेसिक ओवरव्यू अबाउट आईएफआरएस इंडेस एंड अबाउट द बैच ब्रेक के बाद अब हम शुरू करेंगे इंडेस हां कंपनीज इंडेस Rules, करना है, और, किसे करना है, और क्या सारे स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना पड़ते हैं तो वील टेक नाउ मेरी घड़ी में अभी ये बता रहा है एट फोर्टी सिक्स तो वी विल रफली मीट एट फिफ्टी दस मिनट का हमारा ब्रेक रहेगा फिफ्टी फाइव पर हम लोग रफली मिलेंगे इस दौरान अगर आप लोग कुछ चैट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक अ ब्रेक बट आफ्टर आई कम बैक आई विल और इन फैक्ट आई कैन डेफिनेटली सी द चैट आई एम नॉट एंडिंग द स्ट्रीम द स्ट्रीम विल कंटिन्यू आप ब्रेक ले सकते हैं दस मिनट बाद अपन मिलेंगे थैंक यू

क्या भारत में सारी की सारी एंटिटीज को इंडेस आज नहीं तो कल फॉलो करना पड़ेंगे क्या द आंसर इज अग नो ए सिर्फ कंपनीज के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं आपको जान के ताजुब हो सकता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता है इट इज नॉट इशूड बाय आईसीआई इट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आईसीआई प्रिपेयर करके रिकमेंड करता है टू नफरा एंड दे देन डिसाइड स्टैंडर्ड शुड बी पब्लिश्ड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देन नोटिफाइज थ्रू एन ऑफिशियल गेजेट पब्लिकेशन द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्योंकि एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफाई कर रही है इसलिए इसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ कंपनीज पर है इसका मतलब यह हुआ कि एलएलपी पार्टनरशिप फॉर्म एनी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी कैन not follow Indian accounting standards, it is not required to follow Indian accounting standards, both. So applicability of India's may sabse pehle aap note kar lije, it is applicable only on companies. Because it is, these are issued by, the India's are actually Indian accounting standards are notified or issued by Ministry of Corporate Affairs. इट is नॉट एप्लीकेबल ऑन llps partnership firms पार्टनरशिप फॉर्म्स statutory इवन स्टैचूटरी कॉरपोरेट नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज इनके ऊपर यह लागू नहीं होता है एप्सोलूटली नॉट ये एकदम क्लियर है पहला तो कंपनीज में क्या सारी की सारी कंपनीज़ पर एप्लीकेबल होता है तो आई वुड से नहीं इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सर्टन स्पेसिफाइड कंपनीज एज प्रिस्क्राइब इन रूल फॉर रूल फॉर टू कंपनीज इंडियस रूल्स टू थाउजेंड फिफ्टीन जिसको मैं इंडियस रूल्स कहूंगा बताता है कि कौन सी कंपनियों को मैंडेटरी बेसिस पे या ऑप्शनल बेसिस पर इंडेस लगाना है या लगाने का ऑप्शन अवेलेबल है तो इसका मतलब अब हमारा अगला डिस्कशन क्या होने वाला है सो नाउ वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट रूल फोर रूल फोर में कौन सी कंपनी पर इंडेस एप्लीकेबल किए गए हैं तो वी विल है डिस्कशन इनटू सर्टेन पार्ट्स हियर। The rule is different for NBFC, banks and insurance companies. इसके अलावा जितनी भी बची हुई कंपनीज हैं उनका रूल हम सबसे पहले पढ़ेंगे यानी कि मेरे इस डिस्कशन में एनबीएफसी बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज एक्सक्लूड कर दीजिए क्या होती है एनबीएफसी ऑल दैट इज समथिंग विच वेल कम टू बट एक्सक्लूड दिस गुंजन कह रहा है बफरिंग है इज इट अ प्रॉब्लम विच इज कमिंग अक्रॉस विद एवरीवन और अदर्स दिस इज फाइन प्लीज लेट मी नो अदर कंपनीज की अगर मैं बात करूं इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी कब से आई यहां पे कहा गया है अदर कंपनीज कैन वॉलंटरली अडॉप्ट एनी कंपनी कैन वॉलंटरली अडॉप्ट इंडेस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग वन फोर टू थाउजेंड फिफ्टीन ऑल लेटर इसे मैं बोलूंगा दिस इज वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी यानी आप अपनी इच्छा से स्व इच्छा से इसमें एनबीएफसी बैंक इंश्योरेंस कंपनी शामिल नहीं है स्व इच्छा से आप क्या कर सकते हैं एक अप्रैल 2015 या उसके बाद जब भी आपका अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा है आप इंडेस स्व इच्छा से लगा सकते देन वॉट इज मैंडेटरली इंडेस किसे और कब से लगाना है तो मैंडेटरली इंडेस की एप्लीकेबिलिटी दो फेजेज में प्रिस्क्राइब की गई थी और ये फेज वन और फेज टू बेसिकली फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग जब भी मैं लिखूंगा डेट तो आप मान लेना द डेट इज ऑफ फाइनेंशियल स्टार्टिंग ऑन और आफ्टर फेज वन वन फोर टू थाउजेंड सिक्सटीन फेज टू वन फोर टू थाउजेंड सेवेंटीन मैंडेटरली एक अप्रैल 2016 या उसके बाद से इन कंपनीज को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है बफरिंग का कुछ के लिए नहीं आ रहा है सम पीपल आर सेइंग आ रहा है आई थिंक एवरीथिंग लुक्स टू बी फाइन फ्रॉम हियर स्ट्रीम की मुझे हेल्थ प्रॉपर दिख रही है यहाँ पे मुझे बफरिंग यहाँ नहीं दिखा रहा है वो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार नेट कनेक्शन आपके लेवल पे चेक करिए टू पीपल हैव है इशू अदर्स आर फाइन विद एट नेक्स्ट आफ्टर एक अप्रैल 2016 से किसे इंडेस मैंडेटरली फॉलो करना है मैंडेटरली फॉलो करना है ऑल कंपनीज सारी कंपनीज कौन सी जिन्हें जिनकी नेटवर्थ इज मोर देन इक्वल टू 500 करोड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर मैं पूरा समझाऊंगा आपको बिंदास आराम से है ना अभी आप नोट करना चाहें तो इसको कर लो कर ही लेना है आपको तो यहां पे जो मेरी लिमिट आ गई है वो कौन सी है बेसिकली उन कंपनीज की जिनकी नेटवर्थ पांच सौ करोड़ रुपए या उससे ज्यादा मोर देन इक्वल टू है उन्हें एक अप्रैल दो से मैंटरिली फॉलो करना है एक अप्रैल दो से किन कंपनीज को मैंटरली फॉलो करना है All listed or to be listed, debt or equity in India or outside India companies. यानी लिस्टेड कंपनी के ऊपर इंडिया से एक अप्रैल 2017 से हर लिस्टेड कंपनी के ऊपर लगना शुरू हो गए हैं विद अ स्टार स्टार क्या है मैं बताता हूं आपको अभी प्लस इसके अलावा जो भी बची हुई अनलिस्टेड और टू तो बी अनलिस्टेड यानी जो भी अदर कंपनी लिखना ज्यादा बेहतर है क्योंकि टू तो बी लिस्टेड भी है अनलिस्टेड बट तो वो कवर हो गई है तो अदर देन अभाव जितनी भी कंपनीज हैं

यानी जिन कंपनीज में आपको शायद अपना करियर बनाना है वो सब तो इंडेक्स फॉलो कर रही है यानी आपको इंटरव्यू में तो यही पूछने वाले इसके अलावा जो कंपनियां लिस्टेड नहीं है उनकी भी नेटवर्थ अगर पांच करोड़ से ज्यादा थी तो वो तो एक अप्रैल दो से ही कवर हो गई लेकिन अगर उनकी नेटवर्क टू हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ या उससे ज्यादा थी तो वो फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सेवेंटीन से कवर होगी गई सर ये तो पुरानी कहानी हो गई अब इसके ऊपर सवाल कहा गया तो बहुत पुरानी चीज हो गई अभी अपन आगे एक बार पूरा पढ़ लेते हैं फिर अपन उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि क्या इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हालांकि मैं बता चुका हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इन कंपनीज को मैंडेटरली फॉलो करना है वॉलंटरली कोई भी कंपनी फॉलो कर सकती है आपकी कंपनी है आपने बोला भाई मैंने एस पढ़े ही नहीं इंटर में अच्छे से और फाइनल में आया तो इंडेस ही पढ़े अब मैंने अपनी कंपनी बनाई है और मेरी कंपनी की तो ना नेटवर्क इतनी ज्यादा है ना मेरी कंपनी लिस्टेड है तो मैं चाहता हूं इंडेस फॉलो करना क्या मैं कर सकता हूं हाँ बिल्कुल कर सकते हो वॉलंटरली हर कंपनी को अलाउड है करना पर अगर आप कंपनी नहीं हो एल हो तो फिर आप वॉलेंटरली भी नहीं कर सकते लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात और अगर आप वॉल्टरली फॉलो कर रहे हो या मैंडेटरली आपको फॉलो करना पड़ रहा है इन सभी केस में आपकी होल्डिंग कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी आपके जॉइंट वेंचर या एसोसिएट्स टू ऑल्सो फॉलो स क्योंकि अपन पढ़ेंगे इंडिया में कंसोलीडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं जिसमें होल्डिंग अपनी सब्सिडी जेवी एसोसिएट सबको कंबाइन करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है तो उस एंगल से अगर आपकी एक कंपनी अलग स्टैंडर्ड एक कंपनी अलग स्टैंडर्ड फॉलो करेगी तो प्रॉब्लम आ सकती है इसके लिए कहा गया है कि अगर आप मैंडेटरली या वॉलंटरली फॉलो कर रहे हो तो आपको मजबूरन कंपलसरी आपके ऊपर कि आपकी होल्डिंग जेवी एसोसिएट ये सब क्या होता है सब समझते हैं अभी है। इन सबको को कंपल्सरली इंडिया ही फॉलो करना पड़ेगा तो अगर ग्रुप की एक कंपनी बोलती है कि भैया मुझे होल्डिंग बोलती है तो उसकी सब्सिडरी को फॉलो करना पड़ेंगे, भी को भी करना पड़ेंगे। तो ये आधार पे इंडेस की एप्लीकेबिलिटी प्रिस्क्राइब हो गई एनबीएफसी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को अभी साइड में रख देते हैं पहले अपन इन कंपनीज की बात करते हैं अब इसमें आपको क्या क्या चीजें हैं प्रैक्टिकली जो आपको ऐस जिस पे फोकस करना पड़ेगा या ध्यान देना पड़ेगा तो उसके लिए कुछ केसेस भी अपन ले लेते हैं पर उससे पहले सबसे पहले एक अपन ने जो डिस्कशन करना है वो ये है कि भाई नेटवर्थ का मतलब क्या होता है वॉट डू वी मीन बाई नेटवर्थ सेकेंड यहाँ पे हमने लिखा है लिस्टेड टू बी लिस्टेड वॉट डू आई मीन बाई टू बी लिस्टेड डेट और इक्विटी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और इसमें ये सितारा क्यों लग है तो एक लिस्टिंग की अपन बात कर लेंगे यानी अगर मैं बोलूँ तो एक मुझे नेटवर्थ के बारे में डिस्कशन कर लेना चाहिए दूसरा डिस्कशन मुझे कर लेना चाहिए लिस्टेड का क्या मतलब होता है एंड इसके अलावा आई कुड ऑल्सो पॉसिबली डिस्कस आई एम लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वॉट विल दिस मीन कि मुझे कौन सी डेट पे नेटवर्थ कैलकुलेट करनी है जिसे अपन नेटवर्थ के अंतर्गत ही डिस्कस कर लेंगे एंड उसके अलावा आई कुड़ पॉसिबली से की होल्डिंग सब्सिडरी जेवी और असोसिएट को स्टैंडर्ड फॉलो करना है इससे इनका क्या मतलब है आई कैन टॉक अबाउट जो ने यूज नेटवर्थ की आपको डेफिनेशन लेना है एज पर सेक्शन टू क्लॉज फिफ्टी सेवन ध्यान रखनाक्शन नहीं बोलते ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंडीन जिसमें नेटवर्थ को डिफाइन किया गया कैसे डिफाइन किया गया इट सिंपली सेज नेटवर्क का मतलब क्या है पेड अप शेयर कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल मतलब कॉल्ड अप माइनस इन इन एडवांस इसमें शामिल नहीं होते अपन लॉ नहीं पढ़ रहे इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम ध्यान रखना अब सिक्योरिटी प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं कहते सिक्योरिटी प्रीमियम कहते प्लस रिजर्व्स मेड आउट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व मेड आउट ऑफ प्रॉफिट प्लस पी ऑर एल का कोई क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस पी ऑर एल का अगर कोई डेबिट बैलेंस है माइनस जितने भी आपके फिक्टीशियस असेट्स अगर कोई बुक्स में है डेफ और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह हालांकि इंडिया में सब होते नहीं है इसमें भी मोरल लेस नहीं होते बट अगर कुछ है तो माइनस कर दीजिए सिमिलरली इस तरह के अगर आपके कोई भी एसेट या याक्यूमलेटेड लॉसेस किसी भी फॉर्म में विच इज पी आर एल का डेबिट बैलेंस ही हो गया एक तरह का तो वो आपको हटा देना होगा इसमें आपको नोट करना है डू नॉट इंक्लूड रिजर्व मेड आउट ऑफ रिवैल्युएशन गेंस जो अपन फिक्स एसेट को रिवैल्युएशन करते हैं तो उसका जो रिवैल्युएशन रिजर्व होता है <clears throat> उसे शामिल नहीं करना राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन रिवैल्युएशन गेन को बुक करने का एक तरीका ही हो सकता है कि मेरी एसेट डेप्रिशिएट हो गई पर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो मैंने रिवैल्यू किया तो जो डेप्री हो राइट बैक किया और वैल्युएशन रिजर्व में डाल दिया एक ही बात है वो भी शामिल नहीं करेंगे अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे जब रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तब समझेंगे इसको या अमलगमेशन में जो क्रिएट होते हैं बेसिकली कैपिटल रिजर्व अगर आपने

तो वो शामिल करेंगे यानी फ्री रिजर्व की बात नहीं हो रही है रिजर्व विच आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट तो क्या फ्री रिजर्व भी शामिल होंगे हंड्रेड परसेंट फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है वो रिजर्व जो डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल है वो भी प्रॉफिट से ही बनते हैं ल का क्रेडिट बैलेंस है आपने रिजर्व में नहीं डाला शामिल कर दो डेबिट है तो माइनस कर दो जिसे अक्यूमिलेटेड लॉस भी कहते हैं कोई फिफ्टी जी है तो माइनस कर दीजिए ये करने में आप ध्यान रखना एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि रिजर्व रिवैल्युएशन का ऐड नहीं होगा आप बोलोगे सर वो तो ऐसे भी प्रॉफिट से नहीं बनाए वो तो असेट को रिवैल्यू करने से बनाए तो इसलिए ये क्लैरिफिकेटरी नेचर का है कि आपको उसको शामिल नहीं करना है इस तरह से आपको नेटवर्थ कैलकुलेट करनी है ये नेटवर्थ कैलकुलेशन की डेफिनेशन हो गई पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट नेटवर्थ आपको देखनी कब की है तो यू हैव टू सी इट ऑफ द लास्ट डेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन यानी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस दिन आपके बन रहे हैं यानी इकतीस मार्च को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं इंडिया में फाइनेंशियल ईयर इस अप्रैल टू मार्च ओनली अनलेस रेयर सर्कमस्टांस में आप सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल की परमिशन लेके अपना अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट रख सकते हो अगर आपकी होल्डिंग और सब्सिडी फॉरन में है और वो दूसरा फॉलो करती है तो अदरवाइज यही होता है तो इसके लिए आप फिक्स कर दिया कि आपको नेटवर्क थर्टी मार्च की निकालना पड़ेगी अब थर्टी मार्च की कब की तो जिन कंपनी के ऊपर इंडियस एप्लीकेबल हो रहे हैं फर्स्ट अप्रैल टू से

इंडेस वंस एप्लीकेबल यू हैव टू फॉलो फॉर एवर यानी आप यू समझ लो दोस्तों कि इंडेस के दरवाजे आपके लिए अंदर घुसने के लिए हमेशा खुले हैं ये दरवाजा है कृपा करके मेरी ड्राइंग पे ज्यादा वो मत देना आर्ट्स और बायो इसीलिए नहीं लिया था मैंने इन डेज के घर के दरवाजे आने के लिए हमेशा खुले लेकिन जाने का यहां कोई दरवाजा ही नहीं है सर मत करो इतनी मेहनत आ गया हमको समझ में है ना बहुत बढ़िया यू कैन एनी टाइम यू आर एन एनबीएफसी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी बट वंस यू हैव अडॉप्टेड वॉलेंटरली या मैंडेटरी आप पे एक बार लागू हो गए फिर उससे आप बाहर नहीं निकल सकते आपको लाइफ लॉन्ग फॉलो करना अच्छा सर समझ में आ रहा है ऐसा लग रहा है पर श्योर नहीं है तो लेट मी टेक एन एग्जांपल एग्जाम्पलिस्टेड कंपनी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अलिस्टेड कंपनी हैज्ल्यू नेटवर्थ ऑफ तो थर्टी फर्स्ट मार्च 2014 को उसकी नेटवर्थ थी 550 करोड़ की और बेचारे को लॉस हो गया 2015 में उसकी नेटवर्थ गिर गई 300 करोड़ और 2016 में तो 200 करोड़ पे आ गया आप बताइए इस पर्टिकुलर कंपनी पे इंडेस कब से एप्लीकेबल है अज्यूम कर लेना कि इट इज नीदर अ बैंक एनबीएफसी और एन इंश्योरेंस कंपनी तो इसके ऊपर इंडेयस लागू कब से होंगे इसके ऊपर लागू कब से होना चाहिए तो मैंने आपको क्या बोला है आपको चेक कब से करना है चार्ट में आप लिख सकते हो चेक कब से करना है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन एंड देर बट चेक आपको हमेशा लास्ट डेट ऑफ प्रसिडिंग फाइनेशियल ईयर यानी यहाँ सिंपल है कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको इकतीस मार्च दो हजार चौदह फिर इकतीस मार्च दो हजार पंद्रह फिर सोलह फिर सत्रह फिर अठारह ऐसे देखना है इसमें आप कहीं पर भी पांच सौ करोड़ अगर क्रॉस कर गए तो आपके ऊपर एक अप्रैल दो हजार सोलह से इंडेज एप्लीकेबल हो जाएंगे खत्म इसका मतलब आपके ऊपर इंडेज कब से एप्लीकेबल है विथ इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन दैट इज फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सिक्सटीन से आपके ऊपर इंडेक्स लागू हो गए बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे कुछ एमसीक्यूज भी है मेरे पास आपके लिए एक अप्रैल दो हजार सोलह से आपके ऊपर इंडेक्स लागू हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे क्योंकि आपकी नेटवर्क थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन से चेक करना शुरू हो गई इसका लॉजिक सिंपल क्या था इंडेक्स रूल्स आए दो हजार पंद्रह में उन्होंने बोला कि दो हजार चौदह से ही हम कंपनीज को बता देना चाहेंगे कि इंडेस किसके ऊपर लागू होने वाले हालांकि हम इमीजिएटली लागू नहीं करेंगे लागू हम मैंडेटरी बेसिस पे एक चार सोलह से करेंगे जब तक आप लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हो जिस दिन आपने लिमिट क्रॉस कर दी आप सोच लो आपसे वो इंडेक्स आपके ऊपर फॉलो करना आपके ऊपर मैंडेटरी हो चुका है ना अब आपको इंडेक्स फॉलो करते रहना है अब आप नीचे भी आ गए लिमिट के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जवाब के तौर पे खुशी ने बोला एक चार दो हजार सत्रह खुशी क्षमा करें गलत जवाब प्रियांश ने बोला वन फोर फिफ्टीन क्षमा करें गलत सर एक चार पंद्रह क्यों नहीं क्योंकि मार्च पे तो एक चार से हो जाना चाहिए थी गुड आंसर अपने को डिस्कशन करने के लिए मौका मिल गया एक चार पंद्रह से दोस्तों वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी आई थी यानी वो वॉलंटरली हाँ सर प्रियांश बोल रहा है सर मैं यही सोच के जवाब दे रहा था ओ क्षमा करें मैं आपकी बात नहीं समझ पाया मैं मैंडेटरीली पूछ रहा था

चलो मैं इसी में एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं केस टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन पे बाई की नेटवर्थ थी से टू हंड्रेड करोड़ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन पर नेटवर्थ थी दो सौ करोड़ की थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन पे इसकी नेटवर्थ थी थ्री हंड्रेड करोड़ या हो गई फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ चलो बताओ फटाक से अब इसको कब से फॉलो करना है

1 अप्रैल 2016 से इंडेस की एप्लीकेबिलिटी किस पर है कंपनी जो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है उन कंपनीज पर इंडेस एप्लीकेबल ठीक बात लिस्टेड अनलिस्टेड का फर्क कब काम में आएगा जब आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं है तो आप फेस टू में कवर होगे और फेस 2 में अगर आप लिस्टेड हो तो आप कवर हो ही गए इरिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ लेकिन अगर आप लिस्टेड नहीं हो और आपकी नेटवर्क पांच सौ करोड़ रुपए या उससे ज्यादा भी नहीं है तो आप फेज टू में कवर सिर्फ तब हो जब आपकी नेटवर्क टू हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ या उससे ज्यादा है या आप ऐसी किसी कंपनी की होल्डिंग सब्सिडी जेवी एसोसिएट है जिसके ऊपर इंडेज लगे कम टू दैट एस्पेक्ट लेटर ओके चलिए अब ये वाले क्वेश्चन में वापस से अलग अलग जवाब आने लग गए किचन ने लिखा ही या। एक चार सोलह एक चार, चार सत्रह अलग अलग आंसर आ रहे हैं खुशी है आपके जवाब का जवाब मैंने दे दिया डाउट है तो वापस से पूछिए <coughs> अब देखो यहाँ पे यहाँ पे प्रैक्टिकली स्पीकिंग समझना इस नेटवर्क के कारण इसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आई नहीं रही थी इस नेटवर्क के कारण इसके ऊपर अज्यूमिंग ये लिस्टेड कंपनी है तो इसके ऊपर ऐसे भी एक चार सत्रह से तो लगनी थी प्लस ये 250 करोड़ पार कर गई तो इसके ऊपर एक चार सत्रह से लगने थे लेकिन दोस्तों अगर 31 मार्च 2016 पे इसकी नेटवर्थ 500 करोड़ पास हो गई है तो इसका मतलब इसको तो एक चार सोलह से ही फॉलो करना पड़ेंगे यानी इस केस में भी मेरा आंसर सेम रहेगा यानी यहां भी मेरा आंसर वन है और यहाँ पे भी मेरा आंसर वन ही रहेगा अरे सर कंफ्यूज हो रहे हैं नहीं आराम से बहुत सिंपल है इतना मुश्किल है ही नहीं क्यों वन फोर सिक्सटीन है क्योंकि आपको नेटवर्थ कब की देखना है लास्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल दर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन अब एक चीज बताओ अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्सटीन को पांच सौ करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ रखती है तो लास्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मैं खड़ा हूं एक अप्रैल दो हजार सोलह प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या है फिफ्टीन सिक्सटीन

आई होप दिस इज क्लियर इतना एक्जाम्पल क्लियर हुआ सर इसमें ऐसा होता तो क्या होता है ऐसा होता तो क्या होता है वॉट इफ सीनारियो अभी मुझे लेने दो अभी आप मत पूछो अभी ये दो एग्जाम्पल मैंने जो लिया वो क्लियर है यानी वो एक बार बताओ इसमें कोई डाउट है तो बताओ दिशा कुछ पूछ रही है लेटमी रीड आउट वॉट दिशा चलिए दिशा का कहना है सो सर इफ नेटवर्क इज मोर देन टू फिफ्टी बट लेस देन फाइव हंड्रेड आई शुड से मोर देन इक्वल टू टू फिफ्टी बट लेस देन फाइव हंड्रेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन इस इंडिया इस एप्लीकेबल थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड या फिर फॉर थर्टी वन थ्री सेवनटीन का खाली प्रीवियस ईयर एंड डेट से चेक करते हैं नेटवर्क <coughs> थोड़ा क्वेश्चन मुझे एकदम क्लियर नहीं हुआ बट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी नेटवर्क टू हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड या उससे ज्यादा है पर 500 सौ करोड़ से कम है थर्टी वन थ्री फोर्टीन पे भी फिफ्टीन पे भी सिक्सटीन पे भी तो फिर आपके ऊपर इन एक चार सोलह से नहीं एक चार सत्रह से एक चार सत्रह मतलब के आपको पर बनाना है सर उसका करना पड़ेगा मैंने बोला वो अभी नहीं बता रहा वो मैं बाद में बताऊंगा ओनली टू थाउजेंड फोर्टीन तक ही कंसिडर करना है या थर्टीन भी देखना है नहीं थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन से ही शुरू करना है स्टार्टिंग फ्रॉम थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन ये इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे देखो स्टार्टिंग फ्रॉम थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंडी आप लॉजिक समझोगे ना इसके पीछे का तो आपको समझ में आएगा सरकार पहले क्या कर रही थी अप्रैल से लागू कर रही थी और वो बोल रही थी दो हजार चौदह में ही मालूम पड़ जाना चाहिए आपको कि आपके ऊपर इंडेक्स लगेंगे या नहीं तो वो थ्रेश होल्ड थी पर तैयारी नहीं हुई तो फिर उन्होंने एक चार पंद्रह को शिफ्ट करके एक चार सोलह कर दिया और बोला पंद्रह में भाई ऑप्शनल है करना है तो करो नहीं तो मत करो इस कारण से यह नियम ऐसा बन गया आज की तारीख में इतना रिलेवेंट नहीं है क्योंकि अब ये कहानी पांच पांच साल पुरानी हो चुकी है ठीक है ये जो भी अपन ने डिस्कशन अभी किया है ये किसका किया है डिस्कशन नेटवर्क का नेटवर्थ में अपन ने क्या मुद्दा पढ़ा डेफिनेशन क्या है नेटवर्क की चेकअप करना है लास्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन और आपको सारी नेटवर्क जो भी चेक करना है वो सिर्फ एंड ऑफ द ईयर की चेक करना है याद रखना हमें जो नेटवर्क देखनी है इट इज ओनली टू बी सीन ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च एक्सेक्स दैट इज Last date of preceding financial year and index will be applicable if net worth threshold met from next, immediately next, I should say. From immediately next financial year. तो अगर आपकी नेटवर्क आप कह रहे हो कि ट्वेंटी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन पे टू फिफ्टी करोड़ से ज्यादा हो गई तो अब 250 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्क की कंपनी अनलिस्टेड है तो भी इंडिया उनके ऊपर एप्लीकेबल हो गए कब से होना शुरू हो गए एक चार सत्रह से ही होने लग गए पर मेरी नेटवर्क तो अठारह में या सत्रह में हुई है तो अगले डेट से मुझे एक करना है तो इसका एक, एक ले लेता हूं मैं अपन करंट पीरियड का एग्जाम्पल लेते हैं मैं बोलता हूँ एक कंपनी है जो कि क्या है अनलिस्टेड कंपनी है और इसकी नेटवर्थ की डिटेल मैं आपको देता हूँ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ठीक है और इसकी नेटवर्थ अब यहाँ पे समझो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थी टू हंड्रेड टू ट्वेंटी करोड्स टू हंड्रेड एंड से थ्री हंड्रेड करोड्स पाँच सौ करोड़ सिंपल बताओ आप इंडिया कब से एप्लीकेबल हो गए आपको आंसर में देना है इंडिया सप्लाइज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग डेट बताना है आपको एक अप्रैल कब से बताइए दाव दाव दाव। कब से एप्लीकेबल हो जाएंगे इंडेस इस कंपनी के ऊपर अनलिस्टेड कंपनी है इसका मतलब लिस्टेड कंपनी को तो एक चार सत्रह से फॉलो करना ही थे तो ये वो तो छोड़ गई ये डेट इसके काम की नहीं है नेक्स्ट अगर ये लिस्टेड कंपनी नहीं है अनलिस्टेड है तो फिर नेटवर्क देखना है नेटवर्क तो अब 250 फिफ्टी करोड्स की बैंडविथ में ही आपके ऊपर इंडेक्स लगना शुरू हो गए कब से शुरू हो गए थे एक चार सत्रह से हालांकि इसकी एक चार सत्रह के प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक नेटवर्क 250 फिफ्टी करोड्स क्रॉस नहीं हुई थी इसका मतलब इसको एक चार सत्रह से फॉलो नहीं करना पड़े लेकिन इकतीस तीन अठारह फिफ्टी करोड़ जिसने क्रॉस कर दी तो इसका मतलब सिंपल है एक चार दो हजार अठारह से इसके ऊपर इंडेक्स लग जाएंगे यानी अठारह उन्नीस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको एज पर इंडेस डिपेंड करना है प्रीवियस ईयर रिजिस्ट्रेड करना है वो बाद में डिस्कस करेंगे यानी कि आज की तारीख में फाइव हंड्रेड करोड़ की लिमिट का कोई रेलिवेंस नहीं है आज की तारीख में रेलिवेंस है सिर्फ दो चीजों का अगर आप लिस्टेड टू बी लिस्टेड हो इंडेक्स इमीजिएट फॉलो करना है आपको नेटवर्थ अगर आपकी टू हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में ये क्रॉस कर दी अगले साल से फॉलो करना शुरू कर दो पांच करोड़ का आज की तारीख में लिमिटेड है नहीं बचाए ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीबडी इसमें कोई इश्यू नहीं है अगर नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूं थोड़ा सा एक हरी झंडी दिखा दीजिए मुझे और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो लिख भी दीजिए चलिए तब तक मैं टेलीग्राम ग्रुप देख लेता हूं वहां पर कुछ हलचल तो नहीं है कुछ भी नहीं है सब वहां पे नॉर्मल है ओके एक बार ये बता दीजिए एवरीथिंग इज फाइन प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चंस अदरवाइज आई विल मूव गए बच्चों सब ठीक है ओके okay, ओके okay. इमोजीज भी चाहिए अब हमें ये भी जरूरी है इमोजीज आल्सो रिक्वायर्ड इन द लाइव चैट रिक्वेस्ट विल बी पुटेड अप इमोजीज रिक्वायर्ड पिक्चर्स तो ठीक है इमोजीज चाहिए इमोटीकॉन्स नोट कर रहा हूं मैं तब तक बताइए किसी के कोई डाउट्स हैं क्या कोई पता नहीं रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है हेलो हेलो Hello, hello. Are you I am just getting a little confused are we there? Oh my God. <laughs> Chalo chat. सॉरी 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 नहीं हुई चैट ऑटोमेटिकली दैट्स व्हाई आई इट क्षमा करना दोस्तों अब मुझे दिख रहा है आपको भी स्क्रीन दिख रही होगी मैंने क्या लिखा है बीच में आई थिंक चैट दिख रही थी आपको ठीक है लिस्टेड कब से देखना है लिस्टेड पे अभी मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर अभी जिसके साथ हो उसके बारे में सोचो दूसरी के बारे में मत सोचो उसके बारे में बताऊंगा चलो दिशा ने बोल दिया क्लियर है ओके Uh, सार तक से सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है सॉरी आई होप मैंने यही चीज लिखी थी अब आपको दिख रही है ये साफ़ साफ इससे पहले मैंने ये नोट कराया था आई होप ये आपने देख लिया है लाइव uh, चैट की स्क्रीन हटा दो सर हटा दी मैंने बोर्ड नोट नॉट विजिबल ये सबने बता दिया कुल 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 अब दिख रही है ओके ओके नाउ गुड सर यस वी कैन हियर यू एवरीथिंग इज फाइन प्लीज गो ऑन कुल तो ये अपना नेटवर्थ का क्राइटेरिया है इस तरह से आपको चेकिंग करना है ये अपना डिस्कशन किसका कंप्लीट होता है पहला मुद्दा मैंने डिस्कस किया दोस्तों फर्स्ट मैटर विच व्हाट नेटवर्थ अब नेटवर्थ के बाद दूसरा मुद्दा है लिस्टेड वाला तो चलो लिस्टेड वाला मैटर अब उठाता हूं मैं कलर चेंज लिस्टेड इसमें आपको क्या क्या देखना है तो सबसे पहली बात आपकी कंपनी लिस्टेड या टू बी लिस्टेड हो सकती है टू भी लिस्टेड किसे कहेंगे सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग करी और डिसाइड कर लिया लिस्टिंग करना है स्टॉक एक्सचेंज एंड इट हैज नॉट बीन रिजेक्टेड मैंने ये नहीं बोला अप्रूव है क्योंकि अप्रूव हो गई तो तो लिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में आ जाओगे रिजेक्ट नहीं हुई तो आप टू भी लिस्टेड हो गए और एक बार आप टू भी लिस्टेड हो गए तो आपके ऊपर इंडेस लग सर मुझे की बात सपोज फॉर हमने एप्लीकेशन एक्सेप्ट जमा कर दी सामने उन्होंने क्या किया एक्सेप्ट कर ली सी वाला पॉइंट नोट नहीं हुआ सॉरी ये, ये दिखा दिया मैंने मैंने एप्लीकेशन जमा कर दी सपोज फॉर एग्जाम्पल उन्होंने रिजेक्ट नहीं करी एक्सेप्ट कर ली एक्सेप्ट करी एज ए इन्वर्ट कर ली अब वो इसे इवेल्यूएट कर रहे हैं कुछ कंप्लाइंस बोले और मैं नहीं कर पाया अभी क्या मैं टू बी लिस्टेड हो चुका हूँ हाँ क्योंकि एप्लीकेशन आपकी वहां पर जमा हो गई है इन्वर्ट हो गई है तो आप टू बी लिस्टेड हो गए क्या इंडेस लग गए मेरे पे हाँ लग गए बाद में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो मैं तो अनलिस्टेड कम नहीं रहा अब क्या मुझे इंडेस फॉलो करना है क्या नियम बताया था जाने के दरवाजे बंद है यानी एक बार आपके ऊपर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आ गई तो आपको जीवन भर इंडेस ही फॉलो करना है दर इज नो गोइंग बैक टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ठीक है तो एक बार आप इंडेस में आ गए एक बार शादी हो गई फिर अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है यू हैव टू कंटिन्यू दिस फॉर ध्यान रखना हम आई नहीं पढ़ रहे हूं। उनके यहाँ पे चॉइस होती होगी वहां पर भी नहीं है इंडिया से यहाँ पर भी नहीं है तो पहला लिस्टेड और टू बी लिस्टेड क्या हो सकता है डेट और इक्विटी एक मजेदार सवाल पूछता हूं कैन प्राइवेट कंपनी बी अ लिस्टेड कंपनी टेल्मिकली रुकाऊ मैं आप लोगों के लिए कैन अ प्राइवेट कंपनी बी अ लिस्टेड कंपनी जल्दी बताओ क्या एक प्राइवेट कंपनी लिस्टेड कंपनी हो सकती है या सिर्फ पब्लिक कंपनीज ही लिस्टेड कंपनी हो सकती है क्योंकि अभी तक मैंने हर जगह जो भी शब्द यूज किया है वो यूज किया है कंपनी मैंने कहीं पब्लिक प्राइवेट को डिफ्रेंशिएट नहीं किया यानी एक प्राइवेट कंपनी की भी नेटवर्क अगर पांच करोड़ से ज्यादा हो गई तो एक चार सोलह से उसके ऊपर इंडिया एप्लीकेबल हो जाएंगे मैं पहली बार प्राइवेट और पब्लिक कंपनी आपके सामने लेकर आया हूं और मेरा सवाल है आपसे क्या प्राइवेट कंपनी लिस्ट हो सकती है आपने सिर्फ हाँ या ना बोलना है यस और नो यस और नो यस और नो बोलो क्या ना प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड कम ऑन टेलमी Yes, राघव से बताओ कैसे लिस्ट हो सकती है प्राइवेट कंपनी दे कैन लिस्टेंचर कंपनी टू लिस्टेंचर इनमें हालांकि कुछ संशोधन आए हैं बट अगेन अपन कंपनी लॉ एक्सपोर्ट नहीं है बट ये इक्विटी सिर्फ पब्लिक कंपनी लिस्ट करा सकती है डेट सिक्योरिटी कोई भी लिस्ट करा सकता है इसलिए यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी डेट या इक्विटी से में से कुछ भी लिस्टेड या टू भी लिस्टेड है इधर और दोनों में से कुछ भी तो उस केस में आपके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल हो जाएंगे तो यहां रिमेंबर इवन प्राइवेट कंपनीज कैन लिस्ट डेट सिक्योरिटीज हालांकि इसके ऊपर से भी क्या कुछ रिसेंट संशोधन नियम है लेकिन एनीवेज हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो हमने दिया है ये आज की तारीख में एप्लीकेबल है सब्जेक्ट इन बर्ड्स डेट्स लिस्ट हो सकती है ब्रियाज ने कहा बिल्कुल सही इशूइंग डिबेंचर्स एंड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया तो अगर आपको कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हमारी एक कंपनी है लेट्स से फॉर एग्जाम्पल जेनपैक्ट कभी आपने नाम सुना जो कि यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या वेदांता पी एल सी विच इज यूके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है इंडिया में नहीं है तो कंपनी इंडिया की है पर उसने अपने एडीआर कंट्री में लिस्ट करा रखे हैं क्या वो कंपनी को इंडिया में हम इंडेज की एप्लीकेशन में कवर कर लेंगे तो आंसर इज यस कहीं पर भी आपकी लिस्टिंग हो आपको मान लिया जाएगा कि आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे तो लिस्टेड टू बी लिस्टेड डेट और इक्विटी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इधर कहीं पर भी कोई भी सिक्योरिटी ठीक है ये जो मैंने डिस्कस किया ये एक्चुअली पहला मुद्दा है दूसरा मुद्दा नेटवर्क हमें देखना है लास्ट डेट ऑफ प्रिस फाइनेंशियल लिस्टिंग कब देखना है तो लिस्टेड के केस में एज सोन एज द कंपनी गेट्स लिस्टेड और टू बी लिस्टेड इंडियाज बिकम्स एप्लीकेबल तो इसका मतलब यह हुआ स लिस्टिंग के कारण लिस्टिंग होने से सेम ईयर से इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी ड्यू टू लिस्टिंग इंडेस विल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम द सेम ईयर तो आप ऐसा कह सकते हो दोस्तों कि नेटवर्थ अपने को बता देगी कि क्या अगले साल से इंडेक्स लगेंगे या नहीं बट लिस्टिंग आपको ये नहीं बताएगी कि क्या अगले साल से इंडेक्स लगेंगे आप इनफैक्ट ऐसा बोल सकते हो कि नेटवर्क की जो थ्रेश है इंडेक्स रूल्स में नेटवर्क की पांच सौ करोड़ को थ्रेशोल्ड कहा जाता है इंडेस रूल्स कहते हैं थ्रेश विल बी चेकड ओनली ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर

Applied for listing on let's say a thirty first January two thousand nineteen and got listed in April two thousand nineteen. इंडेस विल बी एप्लीकेबल कब से मेरा आंसर क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018-19 आल्सो नाइनटीन टू बी एज पर इंडेस एज इंडेस अप्लाइज फ्रॉम थर्टी फर्स्ट 2019 और एक इंडियस 101 है फर्स्ट टाइम ऑप्शन जो साफ साफ कहता है कि जब भी आप इंडेस लगाते हो तो कभी आप ऐसा नहीं लगा सकते कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक पार्ट इंडेस और एक पार्ट ए एस से लगेगा जब भी लगेगा तो वो रेट्रोस्पेक्टिव शुरू से आपको लगाना पड़ता है तो वो इंडेस वन जीरो वन में अपन मैटर डिस्कस करेंगे अभी उसका ब्रीफ मैं आपको अभी बताऊंगा बाकी डिटेल स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे बट ये सी ध्यान रखना कि लिस्टिंग के केस में सेम ईयर से इंडेस एप्लीकेबल हो जाएगी कोई ज्यादा सोचने वाले स्टूडेंट सोच सकते हैं कि सर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मेरी कंपनी प्रिपेयर करती है तो क्या होगा तो ऑबियस ही बात है थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड एटीन के इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाए होंगे तब तो आपको मालूम ही नहीं था इन डेज लग रहे हैं तो आपने एज पर एस ही बनाए होंगे तो नो प्रॉब्लम वो एज पर एस जो आपने बनाए बिल्कुल सही बनाए अब थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी नाइनटीन के इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पब्लिश करते हो लास्ट क्वार्टर के ऑप्शनल होते हैं अगर आप फिफ्टींथ जून तक इनफैक्ट टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल पब्लिश कर दो पर अगर आपको मार्च के पब्लिश करना है तो फिर वो आपको एज पर इंडेज बनाना तो वो एस पर बनाना होंगे, जिसमें एक जनवरी से इकतीस मार्च तक पूरा इंडेस ही फॉलो करना होगा भले ही आपके ऊपर यानी आप यू कह लो कि जिस दिन आपकी लिस्टिंग हुई उस दिन के बाद जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होंगे इंटरम या एनुअल वो सब एज पर इंडेज पब्लिश इसलिए अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीरियड उससे पहले ही शुरू हो चुका था जो पब्लिश बाद में हो रहे हैं आप जिसके एक्चुअली लास्ट डेट बात की है तो फिर आपको पूरे साल पे एक ही स्टैंडर्ड लगाना है अपन ऐसा नहीं कर सकते कि आधे पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाए और आधे के ऊपर अपन इंडेक्स लगाए द होल स्टैंडर्ड टू बी प्रिपेयर एज पर वन रूल दैट इज समथिंग विच वी विल डिस्कस ऑन वन वन तो लिस्टिंग का मुद्दा आपको क्लियर हो गया तो लिस्टिंग के केस में जिस डेट से आपके ऊपर लिस्टिंग आ गई उस दिन से आपके ऊपर इंडेज एप्लीकेबल हो जाएंगे लेट मी ऑल्सो टेक वन मोर केस एंड देन वी विल टेक सम प्रैक्टिस क्वेश्चन होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट इसमें है इफ अ कंपनी इज मैंडेटरली और वॉलेंटरली

और एसोसिएट कंपनी हर जगह कंपनी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पे कभी भी नहीं लगेंगे टू आल्सो फॉलो इंडिया ठीक है रिचर्ज सेंग बेसिकली एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पीरियड मेड आफ्टर ऑप्टिंग फॉर लिस्टिंग विल बी इन इंडियज बिल्कुल सही बोला आपने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टिंग का ऑप्ट करने के बाद जो आप प्रिपेयर करने वाले हैं वो सारे के सारे एस पर इंडिया होंगे अब इसमें ऐसी बात की खाल निकालने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस केस में सपोज थर्टी फर्स्ट जैन को मैं लिस्ट हुआ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड एटीन के पब्लिश करते करते समझो चौदह फरवरी हो गई वैलेंटाइन आ गया तो वो पब्लिश किया था तो उससे पहले तो इंडेस लग गए थे तो क्या ये एस पर इंडेज होंगे नहीं ऐसा नहीं होता क्योंकि अपलीकेबिलिटी जिस दिन आई है ना उससे पहले की डेट वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट भले ही पब्लिश बाद में हो रहे हो वो होंगे एस पर ये तो ये कंफ्यूज मत हो इतना आप सिंपल रखो जिस दिन से आप टू बी लिस्टेड हो गए उसके बाद के पीरियड एंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने होंगे सब इंडेस होंगे और उसमें इंडेस लगेगा तो फुल पीरियड के लिए लगेगा पार्ट के लिए नहीं लगेगा बाकी क्वेश्चन में अपने को और क्लैरिटी आएगी बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चन भी तुमको मिलेंगे पहले ही दिन होमवर्क भैया सी एफ फाइनल है आपका क्या कर रहे हो चलो अपन यहाँ पर आ जाते हैं वट आई एम ट्राइंग टू से हियर देखिए अ कंपनी इज मैंडली वॉल्टरली फॉलोइंग इन तो उसकी होल्डिंग उसकी सब्सिडरी उसकी जेवी एसोसिएट सबको इन इंडेज लगाना है सर होल्डिंग किसे कहते हैं ये आपको पता होगा मैं सिंपली बता देता हूँ जिसका कंट्रोल है कंपनी के ऊपर नॉर्मली कंट्रोल कैसे आता है पचास परसेंट से ज्यादा वोटिंग पावर है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेजोरिटी हमारे कंट्रोल में ज्यादा डिटेल अपन जब कंसोलिडेशन चैप्टर पढ़ेंगे वहां देख लेंगे जो कंट्रोल कर रहा है उसे होल्डिंग कहेंगे जिसके ऊपर कंट्रोल है वो सब्सिडरी है तो जिसका होल्डिंग जिसे कंट्रोल करती है उसे सब्सिडरी बोलेंगे इसे पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी भी कह सकते हो आप जेवी किसे कहते जहां पे मैं किसी और के साथ मिलके ज्वाइंट कंट्रोल लगा रहा हूं और एसोसिएट जिस कंपनी पे मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है एकदम लेमैन के लिए आप ऐसा बोल सकते हो आ, ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं अपने बीच की बात है यानी कि एग्जाम में नहीं लिखना ये आपने आपस की बात है आप सिंपली बोल सकते हो मोर देन फिफ्टी परसेंट है तो सब्सिडरी हो जाएगी और मैं उसकी पेरेंट कंपनी हो जाऊंगा फिफ्टी फिफ्टी टाइप्स है तो जेवी हो जाएगी मोर देन इक्वल टू ट्वेंटी में यूजली नॉट ऑलवेज एसोसिएट हो जाती है लॉजिक क्या है भाई एक सिंपल सी चीज है फोन पे वो सौ मिनट बात करती है रोज फिक्स है उसका हंड्रेड मिनट टॉक टाइम है ना आइडिया के नेटवर्क उसी ने गिरा रखे इतनी बात करती जिसमें से दो चार मिनट तुमसे भी बात कर लेती है तुम्हारा चार परसेंट इन्वेस्टमेंट है क्या तुम बोलोगे तुम उसे इन्फ्लुएंस कर पाते हैं है? कुछ नहीं पर अपनी बातों से अपने एटीट्यूड से अपनी कला से तुमने उसे इतना इंप्रेस किया है कि 25 मिनट्स आउट ऑफ हंड्रेड मिनट इज टॉकिंग टू यानी क्या वो तुम्हारे ही कंट्रोल में आ चुकी है नहीं पर अब तुम्हारा इन्फ्लुएंस आ चुका है तो किसी कंपनी का 20 परसेंट या उससे अधिक वोटिंग पावर है तो यूजुअली मेरा इन्फ्लुएंस आ जाएगा यूजुअली एक्सेप्शन हो सकते हैं सपोज कि बचे हुए सेवेंटी मिनट वो किसी एक से ही बात कर रही है तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं है बट 50 मिनट अब मैं बात करता हूं 50 मिनट राज बात करता है और मैं और राज ने आपस में एक मिली भक्त कर रखी कि अपन दोनों मिलकर उसे डिसाइड करेंगे कि उसको क्या डिसीजन लेना है तो ये ज्वाइंट कंट्रोल पर मैंने राज को धोखा दिया और मैं निकल गया आगे और रंजीते आप फिफ्टी मिनट्स तक बात कर रहा है सिमरन से यानी सिमरन आप बोल सकते हो आपकी रंजीत के कंट्रोल में सब्सिडरी जेवी एसोसिएट की बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन डिटेल में अभी नहीं जा रहे एक कंपनी अगर इंडेस में लग रही है तो उसकी सब्सिडरी उसकी जेवी और उसकी एसोसिएट इन सबको भी क्या फॉलो करना शुरू कर देना है इंडेस। फिर इस। के या पे ताकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए डेफिनेशन साफ साफ कहा गया है यहाँ पे कि इन सब की जो डेफिनेशन आपको लेना है ऐसा कौन बोलता है आपके इंडेस रूल में ही लिखा हुआ है कि रूल्स में जो होल्डिंग सब्सिडीट टर्म यूज की गई है इन सबकी डेफिनेशन आप एज पर कंपनीज एक्ट लिखेंगे आप डिटेल में डिस्कस करेंगे कंसल्टेशन में हम ब्रीफ में देखेंगे तो आपने तीन एप्लीकेबलिटी पढ़ ली लिस्टिंग टू तो बी लिस्टेड नेटवर्क और होल्डिंग सब्सिडरी मैंने आपको कहा कि नेटवर्थ की आपको चेकिंग कब करना है लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बाकी दोनों जगह नहीं कहा इसका मतलब होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के केस में भी रूल क्या होगा ए, इसको एक एग्जाम्पल से समझा दू क्या चलेगा सर लेट मी से ए लिमिटेड इज लिस्टेड कंपनी लिमिटेड इज लिस्टेड कंपनी ठीक है एंड इट इज It acquired control over an unlisted company B Limited on thirtieth September two thousand twenty, which had a net worth of hundred crores. And was following accounting standards till now. From when is B limited required to follow in days? जवाब दीजिए बी लिमिटेड ने इंडेस कब से फॉलो करने हैं आंसर प्लीज हाँ, एक अप्रैल 2020 से करना है बहुत बढ़िया सबसे पहले जवाब दिया है आदित्य जोशी ने इसका दिमाग या इंटरनेट कनेक्शन बहुत तेज चलता है एक अप्रैल 2020 से बी लिमिटेड को इंडेस फॉलो करना पड़ेंगे क्यों नेटवर्थ मुझे कब देखना है लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की बाकी सब जिस दिन से ए, मैं कवर हो जाऊंगा उस दिन से इंडेक्स लागू हो जाएंगे तो यहां पे क्योंकि ए लिमिटेड ऑलरेडी फॉलो कर रही है एक चार सत्रह सी उसने बी लिमिटेड को एक्वायर किया थर्टी नाइन ट्वेंटी पे तो थर्टी नाइन ट्वेंटी पर बी लिमिटेड पे ए इंडियस लगना शुरू हो गए अब ट्वेंटी ट्वेंटी स्टेटमेंट यानी एक अप्रैल बीस से थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी स्टेटमेंट बी बी लिमिटेड को एज पर इंडियस बनाना पड़ेगा ताकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब लिमिटेड बनाए तो उसकी सब्सिडरी भी इंडेस फॉलो कर रही है पेरेंट भी इंडेस फॉलो कर रहा है आसानी से कंसोलिडेशन हो पाएगा क्योंकि अपन आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि एक ग्रुप जब आपस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो सबके स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग पॉलिसीज सेम होना चाहिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एंटिटी कुछ और एक एंटिटी कुछ और फॉलो करें धीरे धीरे मैं सारी चीजों पे आ रहा हूँ बड़ी सी चीजें इंटरकनेक्शन है मैं बोल रहा आगे आएगा ये सब चीजें साथ साथ में समझ भी लेंगे बट वी विल हैव टू वेट आई थिंक कल तक के सेशन में ये सारी चीजें पूरी कंप्लीट हो जाएंगे तो सार्थक ने कहा है मेरे नाम भाई थर्टी नाइन टू थाउजेंड ट्वेंटी मेरा सवाल है कब से इंडेस फॉलो करना है तो उसने कहा तीस नौ दो हजार बीस से फॉलो करना है बहुत बढ़िया ये सही है एकदम नाम भाई ने एकदम सही जवाब दिया अगला कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे एज पर इंडेस पब्लिश होंगे 2021 के भी हिंस इफेक्टिवली मेरे लिए इंडेज की डेट क्या हो जाएगी फर्स्ट अप्रैल 2020 बट एप्लीकेबिलिटी मेरे पर कब आ रही है सितंबर 2020 बिल्कुल ठीक है तो फाइनेंशियल ईयर 2021 विल बी माय ईयर फ्रॉम व्हिच आई विल हैव टू फॉलो इंडिया सर एग्जाम में क्वेश्चन आया किस डेट से फॉलो करना है तो तो हम हम क्या बोलेंगे तो हम बोलेंगे इंडिया मैंडेटरी फ्रॉम थर्टी हैव टू बी फॉलोड फॉर फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल टू क्वेश्चन आंसर पे अभी अपन आएंगे अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ इसलिए आई एम नॉट टॉकिंग टू मच ऑन द क्वेश्चन पार्ट ऑफ इट ठीक है Cool. तो ये हमारा डिस्कशन किसका भी हो जाता है होल्डिंग सब्सिडरी जेवी और एसोसिएट का अब इसमें आपको एक और एग्जाम्पल में ले लेता हूं आपके सामने बढ़िया <coughs> इसका जवाब दीजिए ए लिमिटेड इज फॉलोइंग इंडेस बी लिमिटेड है उसकी सब्सिडरी सी लिमिटेड है उसकी जेबी डी लिमिटेड है उसकी एसोसिएट ई लिमिटेड है उसकी होल्डिंग कंपनी और एफ लिमिटेड है सब्सिडरी ऑफ ई लिमिटेड ये सब लिस्टेड है और यह बाकी की जितनी भी कंपनियां हैं यह सब अदरवाइज अनलिस्टेड है और इनकी नेटवर्क भी 250 करोड़ से कम है ध्यान रखना दो ही बेसिस होते हैं पर क्योंकि ए लिस्टेड है इसलिए ए इंडेक्स फॉलो कर रही है तो आप बताओ ए के कारण किस किस को इंडेक्स फॉलो करना पड़ेंगे ए लिमिटेड के कारण विच ऑल कंपनीज़ टू फॉलो इंडेस ए लिमिटेड के कारण से किन किन कंपनीज़ को इंडिया फॉलो करना पड़ेंगे जवाब दीजिए आई एम वेटिंग फॉर यंसर जी बताइए चैट में डालिए सर इसके ऊपर एमसीक्यू पोल हो जाता तो और मजा आ जाता नहीं आप यहां पर बताइए पोल का दोस्तों अपन उपयोग करेंगे बट जो चीजें मैं चाहता हूँ कॉपी में नोटेड रहे वो मैं यहां पर दूंगा आपको जो चीजें एडिशनल प्रैक्टिस के लिए वो एमसीक्यू में जाएंगी ठीक है ना ये आपको रिविजन के समय यूज़ में आएंगी, इसलिए अपन इसको दिशा कर e से okay. e. करने की जरूरत नहीं है दिशा ऐसा कह रही है ओके वाई डी आर यू एक्सक्लूडिंग ओके एनी अदर आंसर रितेश बोल रहा है सबको सार्थक का हमारे नाम भाई बोल रहे हैं ऑल बी सी डी और एफ ई e को नहीं क्योंकि ई e अपना बाप है है ना ऐसा है कि भैया मेरा बेटा सब्सिडरी मेरा बेटा मेरा सुनने वाला मेरी एसोसिएट मेरा जॉइंट कंट्रोल वाला मेरा नेफ्यू मेरा भतीजा इन सबको फॉलो करना है पर अपने पापा को अपन नहीं बोल सकते वो फॉलो करेंगे है ना आ, ओके इसके अलावा क्या है मयंक सेज बी सी डी ई e, बिकॉज ऑफ ई एफ पर भी ओ वाह मैंग ने जवाब दिया है कि सर बी बींग सब्सिडरी सी जेवी डी होल्डिंग और होल्डिंग पर लग गए तो उस कारण से एफ क्यों क्योंकि e. <tossil> बहुत बढ़िया महंगा <मैं। tossil> रागस इज ऑल निश्चय ऑल इंक्लूडिंग एफ ऑल एफ को जोड़ के सब ऐसा बोल रहे हैं मोहम्मद शेख फ्रॉम मुंबई प्रियांश ई करेगा तो एफ को भी करना पड़ेगा जू से और आई वुड फाइनली से मोहम्मद और जूही आपके जवाब बिल्कुल सही हैं एफ को करने की जरूरत नहीं है आंसर दिस इज ऑल एक्सेप्ट एफ क्यों अब यहां पे आपको बारीकी लगाना पड़ेगी अब ये सी ए फाइनल में आ गया पर इंटर नहीं है ये मैंने आपको जो नियम पढ़ाए एक बार उन नियम को रिव्यू करता हूं मैं छोड़ दो मैंडेटरी मैंडेटरी पे आ जाओ में किसको फॉलो करना है जिसकी नेटवर्थ क्राइटेरिया मीट कर जाए या लिस्टिंग नेटवर्थ क्राइटेरिया मीट कर जाए लिस्टेड के कारण या वॉलंटरी जो भी फॉलो करेगी उसकी किस किस को फॉलो करना है ये मेरे को अब देखना है तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट जो कंपनियां यहां कवर्ड है कहां कवर्ड है इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो कंपनीज कवर्ड है तो लेट मी पुट इट लाइक दिस इन कंपनीज की होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट को भी इंडेक्स फॉलो करना है मेरे एग्जाम्पल में ए लिमिटेड वाज कवर्ड बीइंग लिस्टेड कंपनी इट वाज कवर्ड तो ए लिमिटेड की होल्डिंग सब्सिडरी जेवी और एसोसिएट सबको फॉलो करना है तो ए लिमिटेड की होल्डिंग यानी ई को फॉलो करना है सब्सिडरी बी को फॉलो करना है जेवी सी को फॉलो करना है एसोसिएट डी को फॉलो करना है खत्म इन सबको इंडेक्स फॉलो करने हैं ये ट नेक्स्ट अब सर ई e को फॉलो करना है तो ई e की सब्सिडी एफ को भी फॉलो करना चाहिए करना चाहिए नहीं पूछ रहा हूं क्या करना है ये पूछ रहा हूं हाँ सर करना है क्यों क्योंकि सर अगर एफ फॉलो नहीं करेगा तो ई e के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में उसे दिक्कत आएगी ये फीलिंग बेस्ड आंसर हो गया आपने लॉजिक समझा आपको फील हुआ कि कंसोलिडेशन में दिक्कत आएगी तो इसलिए हो जाना चाहिए पर एक चीज समझो दोस्तों भावनाओं से आंसर नहीं दिया जाएगा आंसर लॉ से दिया जाएगा लॉजिक हमको आंसर तक पहुंचने में मदद कर सकता है बट आंसर अल्टीमेटली बनेगा लॉ के अनुसार तो तो अगर ये फीलिंग के कारण आपने आंसर दिया तो आपके दिमाग में लॉजिक चल रहा है बट साथ में आपको लॉ को भी इंटरप्रेट करना है लॉ को आप अपन इंटरप्रेट करेंगे तो लॉ क्या कहता है आप बताओ क्या यहां पर मैंने ऐसा लिखा है क्या वॉलेंटरली मैंडेटरली नेटवर्क और लिस्टिंग उनकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट और यह सारी कंपनियां जो इंडिया फॉलो कर रही है उनकी भी सारी जेवी एसोसिएट ऐसा नहीं लिखा है यानी जो कि थ्रेशोल्ड नेटवर्थ का लिस्टिंग का या वॉलेंटरली फॉलो करती है उनकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट को फॉलो करना है इन टर्न इन लोगों को इंडिया फॉलो करना है इनके कारण यानी इनकी एप्लीकेबिलिटी डिराइव्ड है जिनकी डिराइव्ड एप्लीकेबिलिटी है वापस से उनकी होल्डिंग को सब्सिडरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर ऐसा होगा ना तो ये तो फिर कोरोना इन्फेक्शन जैसा हो जाएगा जो धीरे-धीरे हर कंपनी तक किसी तरह से पहुंच सकता है। इंडिया फॉलो करना है वो कौन है नेटवर्थ लिस्टिंग के क्राइटेरिया के आधार पर पे जिनपे लग रहे हैं उनके कारण डिराइव्ड एप्लीकेबिलिटी होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ दीज कंपनीज पर आएगी

इंडेस हाउवेवर एफ लिमिटेड में अडॉप्ट क्यों जस्ट इन ऑर्डर टू फेसिलिटेट इजी कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन में दिक्कत ना है इसलिए बट मैंडेटरी नहीं है लॉ के अनुसार उसके ऊपर लागू नहीं होगा तो सर हम तो लॉजिक से आंसर देते तो गलत हो जाते हैं। तो आधा लॉजिक इसलिए गलत होएगा अभी अपना सेशन खत्म थोड़े ना हुआ है डिस्कशन कंप्लीट थोड़े ना हुआ है इसलिए ये चीज मैंने पूछी कि आपको होलिस्टिकली देखना होगा पर सर ये तो गलत है ना ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए था सबको करना पड़ेगा आप सोचो ऐसे करने में फिर क्या होगा इंडेज की एप्लीकेबिलिटी विल एक्चुअली गेट एक्सटेंडेड इंफिनाइटली and that is why they have not uh, covered it like that and they have covered it the way they have been we have discussed this i hope this is clear with everybody and uh, obviously there are a lot of mcqs and questions which will go on this but yes you should be very very clear in terms of this particular discussion ठीक है तो घुमा फिरा के वापस से अगर मैं किस पर आ जाता हूं मेरे इस डिस्कशन पे तो मेरा डिस्कशन का मैटर एकदम क्लियर है मुझे तीन चीजों से एप्लीकेबिलिटी डिसाइड करनी है एक नेटवर्थ नेटवर्थ बेस्ड एप्लीकेबिलिटी को दोस्तों थ्रेशोल्ड बेस्ड एप्लीकेबिलिटी बोलते हैं लिस्टिंग लिस्टिंग बेस्ड बेस्ड एप्लीकेबिलिटी को ही कहेंगे और ये जो एप्लीकेबिलिटी है थर्ड वाली जो डिराइव्ड एप्लीकेबिलिटी है इसे डिराइव्ड एप्लीकेबिलिटी ऑन ग्रुप हैं अपने इंटरनल क्लासरूम डिस्कशन के लिए ये आपस की बात है अपनी तो आपको ध्यान रखना है थ्रेशोल्ड के बेसिस पे इंडेस नेक्स्ट ईयर से लागू होंगे लेकिन लिस्टिंग और एप्लीकेबिलिटी जब आएगी तब से इंडेस लागू होना शुरू हो जाएंगे पहला दूसरा थ्रेशोल्ड और लिस्टिंग के कारण एप्लीकेबिलिटी आएगी तो ग्रुप कंपनीज पर एप्लीकेबिलिटी आएगी वो ग्रुप जिन पे इंडेस लगे इंटर्न उनके ग्रुप कंपनीज पे ऑटोमेटिकली इंडेस नहीं लगे इस लॉजिक को हम ये भी कहते हैं कि एफ लिमिटेड एक्चुअली क्या है अगर आपको एफ का और ए का रिश्ता समझना है तो ऐसा कहते हैं एफ लिमिटेड एंड ए लिमिटेड आर फेलो सब्सिडरी रिश्ते में तो वो मेरा भाई लगता है लेकिन नाम है एफ लिमिटेड मतलब क्या है ए को कंट्रोल कौन कर रहा है ई e. ए की होल्डिंग है ई e. और एफ को कंट्रोल कौन कर रहा है हम्म hmm, ई e. यानी ए और एफ दोनों को कंट्रोल करने वाली एक कंपनी है ई e. तो ये कॉमन कंट्रोल है आर यू गेटिंग माय पॉइंट रिलायंस इंडस्ट्रीज इज कंट्रोलिंग से रिलायंस रिटेल एंड रिलायंस जियो रिलायंस रिटेल का जियो पे जियो का रिटेल पे कोई कंट्रोल नहीं है तो ये दोनों अपने आप में फेलो सब्सिडियरी है दे आर ऑल कनेक्टेड ड्यू टू सेम होल्डिंग कंपनी ये फेलो सब्सिडियरी है मैंने ग्रुप कंपनीज की एप्लीकेबिलिटी में क्या लिखा है आपकी होल्डिंग आपकी सब्सिडी आपका जेवी आपका एसोसिएट हाँ मैं फेलो सब्सिडरी अगर लिख देता ना तो मेरी होल्डिंग की सब्सिडी भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाता अलायंस में तो सबकी नेटवर्क क्रॉस कर गई होगी तो वो लोग अदरवाइज फॉलो करते होंगे और वहाँ पे जो ग्रुप कंपनी है वही नेटवर्क क्रॉस कर गई तो अदरवाइज सारी सब्सिडीज कवर हो जाती है हाँ अगर मैं यहाँ पे बोलता ई e लिमिटेड ही अपने आप में नेटवर्क क्रॉस कर गई है और लिस्टेड है तो ऑब्वियसली बात है ई की सारी सब्सिडरी इस पर इंडेस लग जाएंगे फिर ए लिमिटेड भी एक सब्सिडरी एफ भी है तो वो दोनों के ऊपर इंडेस एप्लीकेबल हो जाएंगे दैट वुड भी अनदर क्वेश्चन लेट्स नॉट कन्फ्यूज इट योर अगर ई लिमिटेड दो सौ पचास करोड़ की फ्यूचर में लिमिट क्रॉस कर दे तो क्या उसके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल हो जाएंगे तो, e तो आज एप्लीकेबल हो गए तो उसकी लिमिट हो या नहीं है कुछ चेक नहीं करना। क्योंकि आप्लिकेपल आप्लिकेपल एक बार आप एंटर कर गए इंडेस के घर में फिर आपको क्यों लिमिट चेक करना है आपको वापस बाहर निकलने तो हम देंगे ही नहीं ना इसलिए आदित्य वी यू नॉट चेक दिस पर्टिकुलर लिमिट ठीक है आई होप दिस इज वेरी एब्सुलटली क्लियर टू एवरीबडी नो क्वेरीज इज एंड इसके साथ हमारा किसका डिस्कशन कंप्लीट होता है तो रूल फोर में, में मेरा डिस्कशन अभी सिर्फ किसका कंप्लीट हुआ है अदर कंपनीज का डिस्कशन मेरा कम्प्लीट हुआ है यहाँ पे छोटी मोटी एक दो बातें और हैं जो मुझे आपको बताना है और क्विकली एक बार आप समझ लो यहाँ पे मैंने एक सितारा लगाया था इनफैक्ट वो सब चीजें मैं आपको एक क्विक बता देता हूँ तो सम स्पेशल टिप्स आप नोट कर लीजिए एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड सम स्पेशल पॉइंट्स पहला A uh, listed company for India's rules excludes company which is listed only on SME platform or Internet Trading Platform ITP. विदाउट पब्लिक इशू आजकल ऐसा भी होता है कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का एक प्लेटफॉर्म है तीन करोड़ से ऊपर की नेटवर्क वाली कंपनियां भी वहाँ पर ईजिली लिस्ट हो सकती है और उनके पास ऑप्शन होता है कि वो पब्लिक इशू नहीं लाए प्राइवेट प्लेसमेंट करा दें ऐसे ही इंटरनेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसमें लिस्टिंग काफी आसान होती है अगर आप इन प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हो और पब्लिक इशू नहीं लाए हो प्राइवेट प्लेसमेंट से ही आपने शेयर प्लेस किए तो फिर आपको इंडेस रूल्स के लिए लिस्टेड नहीं मानेंगे सेबी की नजरों में आप लिस्टेड हो पर इंडेस रूल्स के लिए आप लिस्टेड नहीं हो तो कभी ऐसा आ जाए कि एक कंपनी है जो एसएमई एम ई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है और नेटवर्थ उसकी दस करोड़ ही है और वो पब्लिक इशू नहीं लेकर आई है तो क्या उसके ऊपर इंडेस लगेंगे तो हम बोलेंगे इंडेस उसके ऊपर मैंडेटरी नहीं है वॉलेंटरली करना चाहे तो बात अलग है वो अलाउड है है ना हाँ मयंक का कहना है तो क्या ई की लिमिट चेक नहीं करना पड़ेगी फ्यूचर में फॉर चेकिंग इट्स ग्रुप कंपनी एप्लीकेबिलिटी बहुत बढ़िया सवाल पूछा मयंक एकदम बढ़िया बोला आपने एक बार ई पर इंडेक्स एप्लीकेबल हो गया, तो फिर हमें कोई मतलब ही नहीं है उसकी एप्लीकेबिलिटी उसकी लिमिट चेक करने की क्योंकि वो इंडेक्स में आ चुकी है हाँ लेकिन उसके कारण अगर उसकी ग्रुप कंपनी के ऊपर इंडेक्स लगाना है तो फिर उस पर्टिकुलर केस में या लगाना पड़ सकता है तो फिर उसकी आपको लिमिट चेक करना पड़ेगी तो अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वापस पीछे जा रहा हूं मैं

क्या कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसकी होल्डिंग सब्सिडी जेवी एसोसिएट को भी इंडेक्स फॉलो करना पड़ेंगे 250 करोड़ जो ऊपर के नेटवर्क की अगर कोई कंपनी है तो उसकी भी होल्डिंग सब्सिडी जेवी एसोसिएट को इंडेक्स फॉलो करना पड़ेंगे आईटीपीज इंटरनेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लिख देता हूं क्षमा करें से भी के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें लिस्टिंग आप करा सकते हो ठीक है ये एक मुद्दा है डिस्कस करने का इंपॉर्टेंट दूसरा नेटवर्थ आप चेक करोगे तो मुझे एक बात बताओ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मिलेगी क्या आपको नेटवर्थ हाँ सर बिल्कुल क्यों क्योंकि उसमें रिजर्व जो आएंगे और फाइनेशियल स्टेटमेंट में जितने वही आएंगे बिल्कुल तो नेटवर्थ आप कौन सी देखोगे इट विल बी एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हाँ ये बढ़िया है सर क्योंकि अभी देखो मैं इंडेस की अप्लीकेबिलिटी चेक कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं इंडेस अभी लगे या नहीं अब मुझे लास्ट ईयर के एंड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नेटवर्क निकालना है तो ऑबियस ही बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैं अभी ए UH एस सी बना रहा हूँ ना इसलिए तो इंडेस की अप्प्लीकेबिलिटी चेक कर रहा हूं तो अगर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए एस के बने हुए हैं तो उस पर्टिकुलर केस में क्या मुझे नेटवर्थ के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडेक्स बनाने की जरूरत है क्या नहीं तो इनफैक्ट बेहतर तरीका ये होगा नेटवर्थ इज टू बी चेक्ड एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स

यानी कि जब भी आपको नेटवर्क कैलकुलेट करना है तो जो आपके लास्ट पब्लिश्ड फाइनेंशियल प्रेजेंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आप वो देख लीजिए फिर वो एस हो इंडेस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिंपल कहने का मेरा मतलब यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी आपने पब्लिश किए हैं उससे नेटवर्क निकाल लो सिर्फ एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए एज पर इंडेस बनाना पिछले वाले एग्जाम्पल में जैसे कि अभी आपने ये सवाल पूछा था ई e लिमिटेड का ने कि ई e लिमिटेड की नेटवर्क बाद में टू करोड़ क्रॉस हो गई तो क्या एफल लागू हो जाएगा हाँ उस समय तो ई e लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडिया बन रहे होंगे तो क्या वो वाली नेटवर्क चलेगी हाँ बिल्कुल चलेगी ये क्लैरिफाइन करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको नेटवर्क निकालने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग स्टैंडर्ड से नहीं बनाना है जो भी पब्लिड है उससे आप अपनी नेटवर्क कैलकुलेट कर सकते हो दिस इज बेसिकली वट आई एम ट्राइंग टू टेल ठीक है तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान रखना है और इस पूरे डिस्कशन में एक आखिरी चीज ये ध्यान रखना है कि Nothing discussed above is applicable on NBFC, bank or insurance company. Just a clarification. इसका मतलब कि अगर एक कंपनी है जिसकी सब्सिडरी है कि एनबीएफसी है या बैंक है और ये कंपनी पे इंडेक्स लग रहे हैं तो इसकी सब्सिडरी पे ऑटोमेटिकली इंडेस एप्लीकेबल हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा यानी कि ये पूरे डिस्कशन में ग्रुप में या इंडिविजुअल एंटिटी में कहीं भी एनबीएफसी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी आ रही है तो उसके ऊपर ये कोई रूल लागू नहीं होगा उसका सब अलग से डिस्कस किया गया है वो उसके बेसिस पर ही इंडेस में कवर होंगे ये आ गया सबको समझ में इसके एग्जाम्पल्स लेके मैं समझाऊंगा तो ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा इसके लिए वॉट आई वुड डू इज़ प्लीज गिव मी फाइव मिनट्स आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में टाइम निकल गया था और थोड़ा सा बफर दस पंद्रह के बाद पाँच दस मिनट का रखोगे तो बेहतर होगा हालांकि आप चार्ट में लिख सकते हो सर बस करो बहुत हो गया नहीं हो पाएगा अब इससे ज्यादा है ना तीन घंटे तो हम शाहरुख खान को नहीं देख सकते लगातार और यहाँ पे आपको देखना पड़ रहा है तो एनी वेज यू कैन पुट दैट पर्टिकुलर चैट जैसी ऐसी चैट आना शुरू होगी दो पांच मिनट में मैं आपको मुक्त कर दूंगा बट uh, मुझे एन बी एफ सी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का एक ब्रीफ में डिस्कशन कवर कर लेने दो ताकि मैं कुछ एमसी क्यूज आपको दूंगा आप वो ट्राई कर पाएंगे एंड आई विल डेफिनेटली कवर इट अप लेटर टूमोरो सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एन बी एफ सी बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीस और मजे की बात सुनो है ना पहला बैंक टू फॉलो इंडिया वेन आरबीआई नोटिफाइज यानी कि क्या आरबीआई ने कुछ नोटिफाई किया है अभी नहीं इसका मतलब बैंक पे इंडेस की एप्लीकेबिलिटी डेफर्ड है वो लोग क्या फॉलो कर रहे हैं जो भी इंडेस फॉलो नहीं करता है वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वो अपन रूल थ्री में डिस्कस करेंगे जो ए एस कौन फॉलो करता है ठीक है सेम इंश्योरेंस कंपनी टू फॉलो इंडेस वेन आई आर डी ए नोटिफाइज जब आई आर डी ए नोटिफाई करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी इंडेक्स फॉलो करेंगे कब पे एक से बैंक्स पे। RBI ने तो डेफर कर दिया कि भैया अभी कोई चांस नहीं है क्यों क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बैंक में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट खर्चा होता है आज की तारीख में नॉन परफॉर्मिंग असेट के प्रोविजन का जो अभी भारत में नियम है नब्बे दिन से ज्यादा अगर कोई पैसे ना दे ड्यू डेट के तो वो नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है इतना सुना है आप लोगों ने और उस केस में फिर आपको उस पर प्रोविजन बनाना पड़ेगा बैड डेट्स प्रोविजन जबकि इंडेस बोलता है कि भैया ये क्या बात हुई कि कोई अगर गुनाह करेगा तो ही आप उसको वो मुस्लिम मानोगे इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि कोई गुनाह कर सकता है तो भी आपको प्रिवेंटिव एक्शन ले लेना चाहिए तो आई यानी इंडेस इनफैक्ट दोनों कहते हैं कि यू विल नॉट वेट फॉर नाइन्टी डेज इनफैक्ट तीस दिन से ज्यादा ही अगर किसी का पेमेंट ओवरडी हो रहा है तो फिर आप मान लो कि भैया इसमें प्रोविजन बनाने की जरूरत है और अगर किसी की ही क्रेडिट वर्दिन है मार्केट पोजीशन खराब हो रही है और भले ही उसके पेमेंट रेगुलर आ रहे हैं तो भी शायद आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा तो अगर इंडेस फॉलो हो गए बैंक्स के ऊपर तो प्रोविजनिंग एनपीए की खूब बढ़ जाएगी ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर की हालत खराब है तो इसके लिए इंडिया उनके ऊपर अभी आगे बढ़ा दिए गए हैं सेकेंड अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस कंपनी पे तो एक अप्रैल 2020 से लगाने वाले थे क्यों क्योंकि आई एफ आर एस सेवनटीन जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है वो आई एफ आर एस पब्लिश हो चुका था लेकिन ऑलरेडी देर वॉज एन आई एफ आर एस फोर यह आई एफ आर एस फोर एक्चुअली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे ही था इसको सेवनटीन ने रिप्लेस किया सिर्फ कहानियां सुन लो कुछ मत लिखना बट आई एफ आर एस सेवनटीन दो हजार बाईस से एप्लीकेबल करा गया है तो भारत में हमने बोला कि भैया अगर हम इंश्योरेंस कंपनी पे मैंडेटरी करेंगे तो हम कौन सा वाला फॉलो करेंगे आई एफ फोर और फिर 2020 थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू से हमें फिर क्या फॉलो करना पड़ेगा आई एफ सेवनटीन जो इंश्योरेंस कंपनीज़ का मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो अभी एप्लीकेबल कराएंगे 2020 हमारा ओरिजिनल प्लान डेट था दो साल बाद फिर नए स्टैंडर्ड पे शिफ्ट करना पड़ेगा इससे अच्छा उनको बोलते हैं अभी तैयारी करो जब आईएफआरएस लागू हो जाएगा उसके बाद से कौन सा आईएफआरएस 17 मैंडेटरी होगा उसके बाद से हम इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी पे स्टैंडर्ड एप्लीकेबल करेंगे तो ट्वेंटी तक तो वी डोंट सी कि इंडिया में आई इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इंडिया एप्लीकेबल होना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी की बेसिक प्रॉब्लम जो होती है वो प्रॉब्लम क्या होती है जो उनकी लाइबिलिटी साइड होती है जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन बनाना होता है उनको वो कैलकुलेशन और उसका कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत डिफरेंट होना चाहिए बाकी सारी कंपनी से एंड दैट इज़ वाई उसके ऊपर अभी इंडेस एप्लीकेबल नहीं आपको एक चीज़ और बता दूं उसके बारे में अपन जब लिस्ट ऑफ इंडियाज देखेंगे तब बात करेंगे कुछ ऐसे भी स्टैंडर्ड्स हैं जो पब्लिश्ड है पर अपने कोर्स में नहीं है जैसे कि इन डेस वन जीरो इंश्योरेंस कंपनी फॉलो नहीं करती है ऑप्शनल भी नहीं है ठीक है ठीके? तो पूरी कंप्लीट लिस्ट है की, जब तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन से आपके कोर्स में और कौन से नहीं है इन दोनों को तो फॉलो करना ही नहीं है और एनबीएफ में इंडेस आर एप्लीकेबल कैसे फ्रॉम वन फोर टू थाउजेंड एटीन अगर उसकी नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू फाइव हंड्रेड करोड्स एट द एंड ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और एक चार दो हजार उन्नीस से इफ़ इट इज़ लिस्टेड और टू बी लिस्टेड पूरा वही और उसकी नेटवर्थ इज मोर देन इक्वल टू टू फिफ्टी करोड अगर वो अनलिस्टेड है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल यानी बेसिकली एक तरह से टू इयर्स डेफर्ड एप्लीकेबिलिटी है किसके ऊपर एन के ऊपर प्लस नो वॉलेंटरी एप्लीकेशन इज परमिटेड यानी एनबीएफसी पे अगर इंडेस लागू हो रहे हैं तो ही वो फॉलो करेगी वॉलेंटरी एप्लीकेशन नहीं है लेकिन जिन पे मैंडेटरी एप्लीकेशन है उसकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट टू तो आल्सो फॉलो इंडेस आप लिख दीजिए एनबीएफसी का भी डिस्कशन पेंडिंग है ये अपन कल करेंगे अगली क्लास में <clears throat> ये सिर्फ आपको नोट करके रखना है कुछ क्वेश्चन में दूंगा उसमें काम आएगा जो जल्दी समझ जाते हैं उनको मैं ये बोल सकता हूँ कि जो अपन ने वहाँ पढ़ा था ना किस पे अदर देन बैंक इंश्योरेंस एन में उसमें जो जो लिमिट थी सेम है एनबीएफसी के लिए फ़र्क सिर्फ दो जगह पहला दो ईयर डेफर्ड है और दूसरा जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पे वॉल्टरी एप्लीकेशन नहीं है तो कोई एनबीएफसी अगर लिस्टेड नहीं है और नेटवर्थ भी 250 करोड़ से कम है तो वो चाह के भी इंडेक्स फॉलो नहीं कर सकती अलाउड ही नहीं है उसको वॉलंटरी एप्लीकेशन परमिटेड नहीं है बैंक इंश्योरेंस कंपनी में भी नहीं है और एनबीएफसी में भी नहीं है तो ये लोगों को कब फॉलो करना है बैंक इंश्योरेंस को आज की तारीख में करना ही नहीं है एनबीएफसी को सेम जो लिमिट हमने पढ़ी थी बस दो साल आगे बढ़ा दो उस तरह से उनको फॉलो करना पड़ेगा अब आपके मन में कई सारे द्वंद आना शुरू हो जाएंगे कि सर सपोज मेरी होल्डिंग कंपनी इंडेक्स फॉलो कर रही है क्योंकि लिस्टेड है और उसकी सब्सिडरी एनबीएफसी है पर उसकी नेटवर्थ ढाई सौ करोड़ से भी कम है तो क्या होगा तो उस केस में एनबीएफसी की एप्लीकेबिलिटी उसकी पेरेंट के कारण नहीं डिसाइड होगी तो एनबीएफसी क्या ढाई सौ करोड़ की नेटवर्थ है नहीं लिस्टेड है नहीं तो उसके ऊपर क्या इंडेक्स लगेंगे नहीं ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी सिमिलरली सब्सिडरी बैंक है क्या इंडेक्स फॉलो करेगी अगर पेरेंट इंडेक्स फॉलो कर रहा है बींगन

बैंक इंश्योरेंस एन बी एफ सी पे अभी आप क्वेरी या पूछो तो बेहतर होगा क्योंकि मैंने बता दिया उसका डिस्कशन मेरी तरफ से थोड़ा सा पेंडिंग है बट यस यू हैव एनी थिंग पर्टिकुलरली टू मैं अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन मैं दैट एंड उससे पहले मैं आपको बता दू कि वेर एम आई गिविंग यू दॉरी सो क्लास uh, बस हो गई फिनिश सॉरी uh, थोड़ा सत मिनट लेट हो गया आज शुरू करने में अपने को मिनट लग गए थे सेटअप में तो अब मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ आई जस्ट क्विकली टेल यू दिस पर्टिकुलर थिंग दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर आई एम गोइंग टू शेयर अ लिस्ट ऑफ यू तो पंद्रह क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्विज मोड में उनमें से जो सवाल अभी अपने डिस्कस नहीं हुए जैसे एप्लीकेबिलिटी इंडेज की कौन से रूल्स में कवर्ड है आप आंसर दे सकते हो किसे कार्विन कारोआउट वाना जाएगा सौ सीरीज किससे से रिलेटेड है ये सब आप आंसर कर सकते हो बट जहाँ एन बी एफ सी बैंक इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगी शायद आप वो आंसर नहीं दे पाओ आई विल सजस्ट आप जिसके आंसर दे सकते हो वही अटैम्प्ट करो बाकी मत करो कल अपन क्लास में जो पढ़ चुके हैं उसका डिस्कशन करेंगे बाकी मुद्दे पढ़ के बाकी एमसीक्यूज कवर करेंगे वट हैव ऑल्सो डन फॉर यू एस टेलीग्राम के साथ साथ वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर लिंक जिसमें वट वी डन इज वी हैव जिस क्रिएटेड वन पर्टिकुलर सॉरी फॉर्म डेली बेसिस पे जितने एमसीक्यू में आपसे पूछूंगा वो सब ऐसे एक फॉर्म में होंगे यानी अपने नाइन्टी लेक्चर्स के नाइनटी फॉर्म आपको मिल जाएंगे यहाँ पे सारे एमसीक्यूज होंगे ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम में नहीं आएंगे आपके लिए आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट करो एमसीक्यू मैंडेटरी नहीं है पर करो क्यों क्योंकि इस बहाने आपका एक क्विक हो जाएगा आई बहा रिक्रेड श्योर करोगे तो कुछ ना कुछ गलत होंगे फिर आप कॉपी पढ़ोगे ये कैसे हो गया क्योंकि गलती होती है तो छूटता नहीं अपने से देखने से फिर आप देखोगे अच्छा मेरा कंसेप्ट यहाँ गलत हो रहा था कल की क्लास में फिर आप क्वेश्चन पूछ पाओगे ये मेरा दोस्तों एक तरीका है जो मैंने सोचा है जिसके थ्रू अपन डेली बेसिस पे जो पढ़ रहे हैं उसको ऑटोमेटिकली रिवाइज कर लेंगे सही बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर कि सर कैसे फर्स्ट अटैम्प में पास हो या कैसे रैंक लाए इसके बारे में अपन कभी डिस्कशन करेंगे बट मेरा बेसिक सा फंडा है रोज की चीज रोज पढ़ो दिस कुड ऑलमोस्ट इफ नॉट फॉर श्योर गारंटी यू दैट यू विल बी एबल टू क्लियर इन द फर्स्ट अटैम्प सर पॉसिबल थोड़ी ना होता है ऐसा कितना मुश्किल है इसीलिए फर्स्ट अटैम्प में पास होने वाले लोग भी कम होते हैं और रैंक लाना है तो अगले दिन का आज पढ़ो जो मैं कल बताने वाला हूँ उसको आज पढ़ लो ऐसे मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं दोस्तों जो आज क्लास में बैठते थे तो उनको कल क्या पढ़ने वाला है वो कहीं से पढ़ के आते थे कहाँ से अब तो आपके पास पूरी किताब है आप ब्रह्मास्त से सब कुछ पढ़ सकते हो जो मैंने आपको आज पढ़ाया मैं मार्क करा देता हूँ कौन से पेजेस आज मैंने कवर कर लिए ताकि जो स्टूडेंट्स घर पे एक बार रिव्यू करने की जिनकी आदत है ग्यारहवीं बारहवीं में डली थी अभी तक चल रही है वो लोग समझ सकते हैं कि कौन से पेज तक यू कैन स्टडी तो आप अगर कल जो पढ़ने वाले आज पढ़ के आओगे फिर आप देखो आपकी अगले दिन की अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर हो जाएगी आप कितने अच्छे से चीजों को अप्रिशिएट करके और रेलिवेंट क्वेश्चन पूछ पाओगे दैट कुड बी अ शॉर्ट मेथोडोलॉजी टू गेट रैंक आप यहां से पढ़ना शुरू कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड में तो इंट्रोडक्शन है उसको स्किप कर दीजिए रोड मैप टू इंडिया में व्हाट यू कैन स्टडी इज पेज नंबर थ्री पेज नंबर फोर पेज नंबर फाइव पेज नंबर सिक्स इनफैक्ट फाइव तक अभी आप पढ़ सकते हो बाकी फिर अपन अपना डिस्कशन कल करेंगे डाउट्स लॉग डेली मिलेंगे क्या अभी ये जो अपनी ऐप है इस पर्टिकुलर ऐप में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एक डेली डाउट लॉग आ जाएगा जिसमें आपने जितने डाउट्स आज पूछे हैं वो सारे के सारे डाउट्स आपको एक लेक्चर के साथ मैप होके मिल जाएंगे बट क्योंकि अभी हम इवॉल्व कर रहे हैं इसलिए ये पूरी ऐप आप जो आपने डाउट्स पूछे हैं आज की तारीख में इसका एक स्क्रीनशॉट निकल जाएगा एक पीडीएफ निकल जाएगी एंड दैट इज समिंग विच विल शेयर विद यू ऑल्सो बैकअप लेक्चर्स जो होंगे उसका अभी आपको एक लिंक देंगे गूगल ड्राइव का जहां पे अभी आपको अवेलेबल रहेंगे मैंने कुछ खास नहीं बताया मैंने बस आपको ब्रह्मास्त्र बताई कि ब्रह्मास्त्र में आप कौन से पेज तक पढ़ सकते हो तो यू कैन स्टडी फ्रॉम थ्री फोर फाइव ये तीन पेजेस आप कर सकते हो एंड टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने आपके साथ एक फॉर्म शेयर किया है जिसमें जितने एम आज से रिलेटेड है जो मैंने शुरू में पांच पूछे प्लस उसके अलावा जो जो एम आपको आज होमवर्क में सॉल्व करना है साथ ही साथ में टेलीग्राम पे भी मैं वो सारे एम आपके डाल दूंगा शुरू के पांच पोल नेचर के हैं उसके बाद में सबके क्वेश्चन हैं आंसर्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे भी क्विज़ फॉर्म में वहां पर भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे आई होप वी आर ऑल क्लियर विद दिस कोई चार्ट मेरी मिस तो नहीं हो रही है कर दिया मैंने उसको अपडेट अपडेट एल पे आज ही हो जाएगा कि हाँ एक्जैक्टली exactly कितने समय में हो जाना चाहिए तो आफ्टरनून में वील डू इट पोस्ट योर ऑफिस टाइमिंग यू विल डेफिनेटली बी एबल टू एक्सेस विल जस्ट ट्राई टू इम्प्रोवाइज द टाइम मैं कोशिश करूंगा क्लास खत्म होने के एक घंटे में सब कुछ आपको रेडी मिल जाए ऐप के अंतर्गत आ जाए विद इन अ वीक्स टाइम आई थिंक विल बी एबल टू डू इट मैक्स वी हैव दैट काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी कैन बी डन ठीक है चलो थैंक यू वेरी मच डू शेयर योर फीडबैक फॉर द क्लास इन टर्म्स ऑफ कोई भी आपको सजेशन है आपकी तरफ से आप उसे शेयर करिए क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी क्या आप चाहते हो आगे होना चाहिए समथिंग विच यू फाउंड बेटर एनी थिंग विच यू वॉन्ट टू शेयर प्लीज़ आप चैट में शेयर कर सकते हो अभी हमने चैट ऐसी बना रखी है कि आप जो चैट करते हो वो सिर्फ आपको ही दिखती है वो आपके लॉग में स्टोर्ड भी रहेगी व्हाट आई प्रिज्यूम हालांकि दिखेगी एक हफ्ते के बाद से सबकी चैट सबको नहीं दिखती है ऐसा इसलिए किया है ताकि अभी आप फ्रीली डाउट पूछ सको कहीं यार शर्म आती है यार कि मैंने डाउट पूछा दूसरे लोग क्या कहेंगे इसलिए मैं कभी कभी स्क्रीन में आपको सबकी चैट दिखा दूंगा ताकि आपको मालूम पड़े क्या डिस्कशन चल रहा है बट अदरवाइज अभी हमने उसको इस तरह से लिमिट कर रखा है आप इस पर भी फीडबैक दे सकते हो कि सर सबकी चार्ट दिखना चाहिए ये सब इस तरह की बात है विलकम टू दैट ठीक है स्टूडेंट लॉग इन के आई पासवर्ड कब मिलेंगे आज रेडी हो जाएगा विल गेट इट टूमोरो चलो जूही बाय बाय आपके ऑफिस का टाइम है विल नॉट पुश यू टू मच एंड थैंक यू वेरी मच चार्ट विल बी ऑन फॉर सम टाइम यू कैन पुट यूर कमेंट्स एंड मैसेजेस हियर या टेलीग्राम ग्रुप पे ये प्राइवेटली मैं पढ़ पाऊंगा टेलीग्राम ग्रुप में इट कुड बी मेंट फॉर एवरीबडी ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन थैंक यू वेरी मच फॉर रजिस्ट्रिंग इन फैक्ट कल रात को बहुत लेट तक लॉग इन आई डी पासवर्ड मिले होंगे बिकॉज रजिस्ट्रेशन फॉर गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम और अभी वो प्रोसेस ऑटोमेटेड नहीं था बिकॉज देर वॉज अ मैन्यूल इंटरवेंशन एक बार ये अपनी प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगी तो फिर ये ऑटोमेटेड हो जाएगा थ शेड्यूल थ्री और वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी स्टूडेंट के आपके यार दोस्त की बैच मिस हो गई है नो no प्रॉब्लम आज का लेक्चर अपलोड हो जाएगा वहां से देख ले मिस भी हो गया बहुत बड़ा इश्यू नहीं है कल परसों तक आप ज्वाइन करते हैं आपके स्टूडेंट तो भी इट इज स्टिल ओके फिर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से हंड्रेड परसेंट शुरू हो जाएंगे वो आप मिस नहीं कर सकते आगे अंडरस्टैंडिंग फिर हमारी इफेक्ट होगी फिर बैकअप लिए बिना क्लास ज्वाइन करना थोड़ा मुश्किल you, know, uh, होगा चलिए थैंक यू बाय कैन वी स्टार्ट अ लिटिल अर्ली आई डोंट नो एज ऑफ नाउ लेट्स कीप इट फॉर द मोमेंट दिन ओनली मोमेंट मुंबई में ऑफिस टाइमिंग का इश्यू होगा तो मोबाइल पे थोड़ा सा देख लो निश्चय अमेजिंग इनिशिएटिव एंड इनोवेटिव आइडिया थैंक यू वो बहुत कुछ सोचा है, है। हमने इनफैक्ट in इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इच्छा तो थी कि आप लोगों को भी दिखा दूं मैं यहाँ पे और गपशप कर पाएं बट इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स आ रही थी इनफैक्ट वो बहुत हो रहा था क्लटर बहुत हो रहा था तो हमने बोला फोकस अभी पहले लेक्चर परफेक्टली जाए उस पर है सुमती ग्रेट सेशन थैंक यू निश्चय मज़ा आया मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू फॉर योर फीडबैक रियली एंजॉयड इट Thank you very much.